हरे कृष्ण, आप सबका स्वागत है। तो आज का सत्र 9:30 से 12 है, तो 2.5 घंटा है। तो मैं सोचा खड़ा होके दूंगा तो कल का सत्र नहीं हो पाएगा, तो इसलिए आज बैठ के दे रहे हैं। और फिर कल हो सकता है हम खड़े होके बोर्ड यूज़ करके करें। तो आज जो भी मैं समझाऊंगा, मैं ग्राफिकली समझाने का प्रयास करूंगा, आप नोट डाउन कर सकते हैं। और मैं मेरे नोट्स का आपको दिखा भी दूंगा कैसे मैंने डायग्राम बनाया है, कोई बनाया है अगर तो। हरे कृष्णा। तो 7वें अध्याय में हमने प्रवेश किया था, और 7वें अध्याय में आपको याद है 7वें अध्याय में कितने ब्रेकअप हैं, कितने भाग हैं? छः छः भाग हैं। पहला भाग क्या कहता है, कितने से कितना है? एक से सात। एक से सात। एक से सात में भगवान क्या कह रहे हैं? कृष्ण के बारे में श्रवण कर उनके पूर्णतया जानना। हाँ, कृष्ण के बारे में श्रवण करके उनके बारे में पूर्णतया जानना। तो भगवान ने क्या किया मालूम है, पहले 6 अध्याय में सब चीज का बीज डाल दिया है, ठीक है। अब वो बीज का बड़ा बड़ा फॉर्म जो है वो यहाँ निकलने वाला है अगले अध्यायों में, ठीक है। और अगले अध्याय में आने वाला है जिसमें से इस कौन से अध्याय में भगवान ने अपने बारे में, मतलब अपनी स्पेशलिटी के बारे में इंडिकेट कर दिया था पहले 6 अध्याय में? हाँ, अपने देवी गुण पर। नहीं, फोर्थ बराबर बोला, और तो इंग्लिश में जवाब दे ये सुन के हम थोड़ा चकम्बा हो गए। पर फोर्थ यानी 4वें अध्याय में पक्का फॉरेन जाने की तैयारी में है। तो 4वें अध्याय में भगवान ने ऐसा क्या कह दिया था जिससे उनकी दिव्यता पता चल रही थी? कि मैंने ये ज्ञान स्वान को दिया था पहले भी। तो इससे क्या पता चलता है, या तो आपका पुनर्जन्म हुआ होगा, लेकिन पुनर्जन्म भगवान का है नहीं। और इन्होंने उसी श्लोक में सिद्ध कर दिया कि मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, जन्म कर्म च मे दिव्यम। लेकिन उसमें से भी एक चीज पता चलती है, उसी उसी में से अगर यही देखा जाए कि मैं नहीं बता रहा, आज मैं बता रहा हूँ, उसमें दो महत्वपूर्ण चीजें पता चलती हैं कि भगवान जो थे सामने, जो बोलने वाले कृष्ण थे, वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। इसका बीज तो उन्होंने 4वें अध्याय में डाल दिया शुरुआत में। क्या ऐसा उसमें पता चलता है हमको, बताइए तो, लॉजिक लगाइए। मुझे सब याद है, लेकिन तुम्हें कुछ याद नहीं। क्योंकि अगर पुनर्जन्म नॉर्मल होते, चलो ऐसा भी है कि भगवान को एक ही जन्म याद आ रहा है, तो वो इतने पिछले जन्म किसी को याद नहीं रहता, हमको 2 दिन पहले का याद नहीं रहता, ठीक है ना। तो ये सोचना कि मनुष्य ये कर पाएगा, ये इम्पॉसिबल। इसे भगवान ने अपनी दिव्यता का प्रदर्शन कर दिया। और उसमें एक श्लोक भी कहा था कि मैं जन्म नहीं लेता हूँ, कौन सा कहा था? जन्म कर्म दिव्य है, वो अलग हो गया। अजोपि सन् नवे आत्मा भूतानाम ईश्वर ओपिसन, कहा था ना, खोलो 4वें अध्याय में आगे पीछे टटो लो, एग्जाम दे दिए थे ऐसी जुटो का। ये 6ठा श्लोक है। हाँ, 4वें अध्याय का 6ठा श्लोक क्या कहता है? अजोपि सन् नवे आत्मा भूतानाम ईश्वर ओपिसन। ऑनलाइन वाले भी खोलिए, मैं आपको नहीं देख पा रहा हूँ लेकिन परमात्मा आपको देख रहे हैं, ठीक है। वैसे 2 दिन पहले जो हालत था वो बहुत बुरा था, बहुत लोगों ने प्रार्थना की मेरे लिए, कुछ लोगों ने अपना जप छोड़ के मेरे लिए जप किया। मुझे बहुत, क्या बोलते उसको, मैं ग्रेटफुल हूँ आप सबका। बहुत लोगों ने प्रार्थना भी किया, किसी ने प्राणी हीलिंग किया, किसी ने किसको रेकी आते उसने अपना रेकी वाला डाल दिया। हाँ, और कुछ भक्तों ने तो राघवेंद्र स्वामी जी का जाप किया, ऐसे कहते हैं राघवेंद्र स्वामी के जाप को 108 बार करिए तो अभी मुझे ठीक हो जाते हैं। पर आप बिलीव नहीं करेगा, सुबह पूरा था और रात को 10 बजे से लग रहा था बहुत एनर्जी है। एनीवेज फिर भी टैबलेट खाया मैंने, कुछ लोग डिवोटीज ने दवाई भी लिख के दिया, उसमें से जो मिला मैंने खा लिया। यहाँ हर दवाई नहीं मिलता हमारे एरिया में, तो जो मिला उसको खा लिया, लेकिन अभी ठीक है। थैंक यू आप सबके लिए, प्रार्थना के लिए। कोई हमारे बारे में सोचता, यही बड़ी बात है आज की तारीख में, क्योंकि आज के तारीख में जब जहाँ पे हर कोई स्वार्थ बुद्धि से जी रहा है, तो आपकी आपके लिए कोई कुछ कर रहा है, ये भी बहुत बड़ा चीज़ है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब भक्तों का। तो भगवान क्या कहते हैं, अजोपि सन् अव्यय आत्मा, कि मैं दिखता हूँ कि मैं जन्म ले रहा हूँ, परंतु मैं जन्म नहीं लेता, मैं अजन्मा हूँ। मैं, तुम मेरे को वैसे वाले जन्मों में मत डालो जो तुम लोग का होता है, मैं वैसे नहीं हूँ। और मैं सारा जानता हूँ, तुम कुछ नहीं जानते।
तो भगवान इसी चीज को जो उधर सात या आठ श्लोक या नौ श्लोकों में डाल दिए थे, अब वो यहाँ पे क्या डाल रहे हैं, अभी भी वो डायरेक्ट नहीं बोलते, सारा अपना क्लियर कर रहे हैं। तो आपको याद है मैंने पांच चीजें बताई थी, अभी बोर्ड नहीं है, तो क्या क्या बताया था, गीता पांच चीजों से है, ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल, कर्म। तो उसमें कर्म जो है वो क्या बोलते उसको, टेम्पररी है, अशाश्वत, यानी वो नाश हो जाएगा, क्योंकि जब जीव खत्म हो जाएगा तो वो उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, लेकिन ईश्वर सदैव रहेंगे, प्रकृति तो रहेगी, वो काम जिस काम के लिए बनी है उसके लिए हमेशा रहेगी, भौतिक प्रकृति। तीसरा काल, जीव जो है वो कभी नहीं, और चौथा काल, काल तो भगवान से उत्पन्न हुआ है, वो एक कारण से और वो हमेशा रहेगा। अब भगवान इस अध्याय में उन तीन चीजों का स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बता रहे हैं, कौन से तीन चीजों का, कौन से तीन विषयों का, ईश्वर, जीव और प्रकृति, तीन। इन्हें ठंडा होगा, हल्का कोई सुसुम करके पानी देना, हल्का सा, किसी को भेजो छोटे, अर्जेंट नहीं, बाद में। तो ये जो तीन चीजें हैं ये यहाँ पे प्रदर्शित होंगी, और पहले क्षेत्र में भगवान ने अपने आप को बहुत ही मतलब कम जगह अपने आप को मतलब प्रधानता दी, कि वो इतना ही बोला कि वो चेतना मुझ में लगाता है, परे में लगाता है, ऐसा बोल के दूसरे अध्याय के 61 श्लोक में भी मत परा कह दिया, कि स्थिर तब होगा ना जब आप किसी, जैसे अभी आप लोगों को ये फैन टांगा हुआ है, हिल रहा है, तो किसी स्थिर चीज को टांगा है तब ना वो अपना काम कर रहा है। हाँ, वो वाला किधर गया अपना टेबल वाला, लाइब्रेरी में बारिश हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये स्थिर चीज को टंगा हुआ है, बराबर, तो स्थिर को टंगा हुआ है तो इसको भी स्थिरता है, तब इसकी गतियां हैं। तो वैसे ही आपकी चेतना किसी अस्थिर चीज पे लगाइएगा तो क्या होगा, आप अस्थिर हो जाइएगा, यानी आपकी चेतना विचलित होती रहेगी। लेकिन अगर आप स्थिर चीज पे लगाइएगा तो स्थिर क्या है, बद्ध जीव तो खुद भटक रहा है, हाँ, तो मत परहा। तो भगवान ने पहले 6 अध्यायों में बहुत कम प्रमाण में उसको बताया, लेकिन अभी 7वें में 8वें में खुलासा करेंगे, और खुलासा करेंगे। और अभी भगवान जो है, अब पहले तो अपना और प्रकृति का परिचय देंगे, जीव का परिचय देंगे, इन तीनों का पहले देंगे, फिर कौन सा जीव क्या क्या, जैसे मैंने आपको डायग्राम बनाया था याद है पहले, बद्ध जीव, मुक्त जीव, उसमें कोई जाने की इच्छा करता है, कोई नहीं जाने की इच्छा करता है, हाँ, तो उनमें भी अलग अलग प्रकार के लोग हैं, उनकी चर्चा करेंगे। प्रकृति कैसे कैसे काम करती है, ये जो प्रकृति है तीन गुणों के माध्यम से या ये 8 धातुओं के माध्यम से कैसे काम करती है, मेरी ये प्रकृति बहिरंगा शक्ति, उसके बारे में भगवान बताएंगे, ठीक है। उसके बाद फिर भगवान जो है वो इन बद्ध में से देवताओं के बारे में भी, जो देवताओं के ऊपर आस्था रखते हैं उनके ऊपर नहीं रखते हुए, उनका क्या हाल होता है वो बताते हैं, जो उनके ऊपर आस्था रखते ही नहीं उनका क्या हाल होता है वो भी इसमें बताएंगे 7वें अध्याय में। तो 7वां अध्याय इन समम बोनम, आप अब भगवान के निकट जा रहे हो, आप कहाँ जा रहे हो, भगवान के निकट जा रहे हो, और भगवान के बारे में अच्छे से जानने का भी हमें प्रयास करना है। तो 2 मिनट कीर्तन कर लेंगे, है ना, और कीर्तन करके फिर हम लोग क्लास चालू करेंगे। हरे कृष्णा। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीरवन चारी, यमुना तीरवन चारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी।
संकीर्तन की जय, प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। तो सातवें अध्याय के पहले श्लोक को मैंने चर्चा किया था, परंतु मुझे याद है मैं कहीं तो बीच में हैंग हो गया था मेरा सर तो मैंने नोट्स के ना ध्यान से देखा, उसके आगे भी कुछ रेफरेंसेस हैं तो मैं दे देता हूँ। ठीक है, तो हम लोग सातवें अध्याय का पहला श्लोक थोड़ा सा रिवाइज करके आगे चलेंगे। ठीक है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो इसमें ठीक दिख रहा है ना चेहरा? तो हमने सातवें अध्याय का पहला श्लोक का किया था और उसमें हमने भक्ति और उन लोगों से यहाँ हम कहाँ प्रवेश कर रहे हैं अभी उसका हमने चर्चा किया था, क्योंकि ये पहले छह अध्याय हैं। ये पहले छह अध्याय जो है ये क्या क्या पढ़ाते हैं आपको? रटा हुआ लेडर, कर्मकांड, सकाम कर्म, कर्म योग, निष्काम कर्म योग। क्योंकि कैसा होता है, सकाम कर्म में ही आप कभी कभी बिना भगवान के भाव के भी आप निष्काम कोई कर्म कर सकते हो, लेकिन वो सकाम में ही आता है क्योंकि उसमें कोई मतलब कुछ हायर है ही नहीं ना, तो इसलिए हम सकाम में वो सब आ जाता है। बैंडविड्थ बना लीजिए, उसको कोई ज्यादा डिटेल लेना है। निष्काम कर्म योग, जहाँ बुद्धि हो चल हो जाएगा, बुद्धियों का दायरा चल हो जाएगा निष्काम कर्म योग। फिर निष्काम कर्म योग करोगे तो क्या आउटपुट आएगा? ज्ञान आएगा। ऐसे कैसे? थोड़ा थोड़ा भी अगर आप निष्काम कर्म योग अव्यक्त रूप अव्यक्त की भाव में भी कर रहे हो या कैसे भी कर रहे हो तो भी क्या आप धीरे धीरे बढ़ेगा, ज्ञान बढ़ेगा। कि जैसे जैसे आप उस चीज के नजदीक जाइएगा तो डिटेल्स आपको बढ़ने लगते हैं। जैसे मैंने पिछले उस दिन क्या एग्जाम्पल दिया आपको, वो नील बार बार डालने का एग्जांपल दिया था, और एक दिया था वो तो बहुत पहले दिया था, वो कल पिछले लेक्चर में दिया था। हाँ, जैसे हम लोग किसी अपार्टमेंट खरीदते हैं
तो क्या देखिए खरीदते हैं, वहां क्या है, हरा हरा लॉन है। और क्या उदाहरण दिया था मैंने, आपको दूर से हरा हरा दिखता है लेकिन जब आप जाके लेटते हैं तो क्या काटता है, तो हमें दिखता नहीं है वो, लेकिन वो कब दिखता है, जाने के बाद दिखता है। इसलिए इंग्लिश में कहते हैं ग्रास इज ग्रीनर ऑन अदर साइड। अब हमेशा लगता है कि वो सुखी है, हमेशा लगता है वो सुखी है, जो हमें जो फ्लैट पे रह रहा है बिल्डिंग में रह रहा है, हम सोचते हैं वो कितना सुखी है, और वो गैलरी के बाहर आके ताक रहे, सोच रहे रस्ते पे चले वाला कितना सुखी है। हाँ जैसे कभी कभी होता है ऑटो पे जो जाते हैं ना, तो ऑटो में देखो चार पांच जो धक्का मुका तो एक पांव उधर एक पांव डंडे के उस साइड पे बैठ के, माता जी लोग आगे तो फिर आप उसको कुछ बोल भी नहीं सकते, बैठ जाइए। अंदर से सब लोग ना कार वाले को ताकते रहते हैं, ये बहुत खुश होगा, आ कार वाला यहाँ सिगरेट फूके परेशान है, मैं किसका लोन ले लिया हूँ, और रिक्शा लेकर सोचता इसका अच्छा है झोले में सब्जी लेके जा रहा है जाके खाएगा, मेरे को तो कार में ले जा रहा है वहां जाके मर्डर कर देगा, वो ये सोच रहा है। और आप क्या सोच रहे हो, वो कितना अच्छा गॉगल है, रेबैन रेबैन देखो ऐसा चाहिए, वो बोलता इधर मेरी जिंदगी पे बैन होने वाला है। तो हम सोचते हैं कि वो खुश होगा, वो भी क्या सोचता है आप खुश होंगे, है कोई नहीं। तो ये जितना जितना नजदीक जाइएगा उतना और बारीकी समझ में आता है। तो बुद्धि योग का दायरा था वो कृष्ण भावना के रूप में, अंदर आप घुस गए, फिर कहाँ जाते हैं आगे आप, ध्यान, ज्ञान से, ज्ञान से, ज्ञान क्या चीज कहते हैं, भगवान के संबंध का ज्ञान आने लगता है। तो ज्ञान और निष्काम कर्म में कोई अलग नहीं है, ये भगवान ने कहा बताया है, तीसरे अध्याय में बताया, पांचवें में बताया, और दूसरे में वही बताया, लेकिन अर्जुन उसको अलग समझ रहा था, इसलिए भगवान ने एलोबरेट करके सारा चीज बता दिया तीन चार पांच में। फिर समझ में आता है कि अरे परमात्मा ही सब कुछ है, तो फिर व्यक्ति क्या करता है, ध्यान लगाता है। तो अब क्या है कि उधर जाने के बाद भी उसको कर्मयोग का सेक्शन ही माना जाता है, क्यों, वहां पे कर्ता कौन है मेजर, उधर आपको पैसे की जरूरत, पैसे से कर लोगे क्या, मतलब ये पैसे से प्राप्त होने वाला चीज है क्या ये सब, नहीं ये, लेकिन फिर भी इसमें कर्ता आप हो, क्योंकि अहम भाव रखना होगा कि मुझे उद्धार होना है, मुझे ये करना है। अब आप बोलोगे प्रभु जी भक्ति, तो हम उसके बाद में अंदर जाएंगे, तो हो सकता है अंदर जाने के बाद पता चला कि हम भक्ति योग कर ही नहीं रहे थे। तो भक्ति बहुत बड़ा विषय, बहुत बड़ा है, बहुत आसान, मतलब ये एक झटके में हो जाएगा, लेकिन वो जो मेन इंग्लिश में उसको बोलते हैं बुलजाए, क्या बोलते हैं बुलजाए, मतलब जैसे आपने देखा निशाना मारते तीरंदाज वाले, अभी मैंने एक रघुनाथ का वीडियो देखा था, वो मार रहा है ऐसे कुछ तो पचक करके, देखा वो गोल रहता है ऐसे, गोल में गोल, गोल में गोल, उसको निशाना तीरंदाज नहीं मारते हैं। हाँ नेशनल अवार्ड ही हमारी यही की तो है, सिल्ली की वो लड़की जिसको नेशनल चैंपियन मिला था गोल्ड मेडल, हाँ यही की तो है वो, हमारी यही की है, यहाँ वो और क्या चला भी लेती है, वही चला किसी को, तो वो चलाते हैं, तो पहले यहाँ लगता है, वहां लगता है, यहाँ लगता है, वहां लगता है, धीरे 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 आपको एकदम फोकस करना पड़ता है, करते करते फिर बीच में लग जाता है, और एक बार लग गया बस फिर कोई टेंशन नहीं। जैसे कभी कभी हम लोग पानी निकालते ना जमीन से, तो आता है एक आदमी लोगों को विद्या मालूम है, एक लकड़ी रहता है उसका हाथ में पकड़ो और लकड़ी घूमने लगता है, अगर आपका वहां पानी है तो ऐसी विद्याएं हैं, तो उसे बदलता है यहाँ पानी है। तो वैसे ही भक्ति जो है वो बहुत, मतलब वो बहुत आसान है, लेकिन वो पॉइंट पे है, वो थोड़ा भी इधर उधर कर दिया तो गड़बड़ जाएगा। तो अब दिखने में ये भी क्या लग रहा था, सब भक्ति जैसा लगता है, लेकिन जब आप भक्ति में चले जाएगा ना, तो ये ऐसा लगता है जैसे हम लोग फ्लाइट पे नहीं चले जाते हैं, तो देखिए पूरा का पूरा रांची सिटी एक डॉट में दिखता है, और बोलते हैं अभी आप जयपुर पार्क है, बोले किधर गए, दिख भी नहीं रहे। वो फ्लाइट बोलता है कि नाउ वी आर क्रूज 36,000 माइल्स एंड वी जस्ट क्रॉस जयपुर, प्लीज क्लैप, बोले जयपुर है किधर, वेयर इज जयपुर, दिख नहीं रहा है। मुंबई से वो जब टेक ऑफ लेता है तो दिखता है समुद्र में, ये कर रहा है, बोला कहीं लेट गए ना बेटा इसमें, मछलियां खा जाएंगी, ऊपर से कितना अच्छा दिखते पानी पानी, गलती से गिर गया ना मछलियां पूरा नोच नोच खाएंगे, बोले मेरा फिश करी खाता है रे तू, बोले लो इसको पापी। तो क्या है, जैसे हम ऊंचाई में जाते हैं हमारी चेतना एकदम भक्ति में जाती है, तो ये सब कर्म ज्ञान इसकी नीचे वाले की बात कर रहे हैं अभी। अब
अंदर में जाएंगे लेवल बढ़ने वाला है, लेकिन अभी उस लेवल को हम श्लोकों के माध्यम से जाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, पहला श्लोक खोलिए, हमने पढ़ा है लेकिन बस यहीं से चालू करते, क्योंकि एक ही श्लोक हुआ था, थोड़ा चालू करके जाएंगे। श्री भगवान उवाच मय्यासक्त मना पार्थ योगं युञ्जन् मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा न्यासिसि तच्छृणु। श्री भगवान ने कहा, हे प्रतापुत्र अब सुनो कि तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर और मन को मुझमें आसक्त करके योगाभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतया संशय रहित जान सकते हो। कैसे तुम इस योग अभ्यास को करते हुए बिना संशय के मुझे जान सकते हो? तो मैंने आपको एक होमवर्क दिया था जो ऑनलाइन वालों में बहुत कम लोगों ने किया होगा और आप लोगों ने तो बिल्कुल नहीं किया होगा, मैं फुल गारंटी देता हूं। क्या होमवर्क दिया था वो भी याद आ गया तो भी बड़ा चीज है। ऑनलाइन वाले को देखे कमेंट में कोई जवाब दे रहा है क्या? हमने क्वेश्चन क्या पूछा था उसका, और होमवर्क जो दिया था और किसने किया? आप ये मत सोचिए कि टीचर बीमार है तो बस वो यड़ा है, हम बहुत आगे वाले चीज है। क्या बोला था? हाँ, भगवान ने अभी बोला है ना कि इसको मतलब इसके बाद तेरा ज्ञान जो है क्लियर हो जाएगा। ऐसे भगवान कितनी बार बोले हैं पूरे 18 अध्याय में? कितने बार बोले हैं? तीन बार। कौन बोला है? तीन बार। किधर बोला? तू किया होमवर्क किया? कैसे टुक्का मार रहा है? ABCD नहीं है यहाँ पे टुक्का मारने के लिए। कहाँ बोले बताओ? चलो इधर एक बोला, दूसरा। ए बहू, अरे टुक्का तो मत मार की था क्लास में ये। और कहाँ बोला है? तो कहीं तो बोलोगे, ये पढ़े थे पूरा, ऐसा खोल के निकाले थे सारे 18 अध्याय। सुने थे कहाँ सुने थे? मैं कहाँ बोला तीन बार बोला है? मैं जवाब दिया ही नहीं, मैं खुद गिना नहीं। तू कमेंट में गया है 7, 9, 14 सात बार, 7, 9, 14 चैप्टर में। हाँ तो नहीं, तो एक ही बार आया है? तीन बार आया है, 7, 9, 14 में। ठीक है, एग्जाम में लिखना तुम लोग। ठीक है, इसके बाद बताने के बाद तुम्हें कुछ नहीं बचेगा। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे भी पता नहीं है। लेकिन भगवान बहुत बार बोलते हैं। तो भगवान क्या कर रहे हैं? और भी गाढ़ा, मतलब सोचो, भगवान खुद बोल रहे हैं हाँ ठीक है इतना कर ले हो जाएगा। पहले बुद्धियोग तक छोड़ दिया था अर्जुन को, बोलते हैं नहीं आत्मा तृप्त नहीं होगा ना जब तक भगवान के साथ हमारा टोटल संबंध नहीं इस्टेब्लिश हो जाता, तब तक आत्मा तृप्ति को प्राप्त नहीं कर सकता। तो भगवान दिखा रहे अर्जुन के माध्यम से। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो भगवान के बारे में हम तब जान सकते हैं जब हम क्या करेंगे, श्रवण करेंगे। श्रुणवताम स्व कथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हरिदंतस्तो भद्राणि विदुनोति श्रुतताम। कि आपके हृदय में जो संत जो भक्त हैं, ये आपके जो इनकी जो माध्यम से जब आप सुनते हो भगवान के बारे में तो क्या होता है, और भक्तों के माध्यम से सुनने का फायदा क्या है? यू कुछ भी मिलाते नहीं है, वो अपना प्यार मिला देंगे उसमें लेकिन कचरा नहीं मिलेंगे। ज्ञानी लोग से सुनोगे तो मैंने देखा है प्रायः कुछ ज्ञानी लोग क्या करते हैं, इतने सारे उपनिषद इतने सारे सूत्र उत्र इतने पढ़ लेंगे कि वो आपको कंफ्यूज ज्यादा करेंगे। ज्ञानी लोग बोलेंगे तई तरह के प्रथम अनुवाक में यही पाया गया है और बृहदारण्यक में पाया गया, फंसा देगा तेरे को। फिर बोलेगा लेकिन ये जो है अभी तक निष्कर्ष नहीं हुआ है, बड़े लोग अभी भी इस पर चर्चा कर रहे हैं, वो आपको फंसा देगा क्योंकि खुद फंसा हुआ है। भक्त जो है वो इतना पढ़ा नहीं भी होगा ना तो उसको क्लियर मालूम है, क्या मालूम है, वासुदेव सर्वमिति महात्मा सुदुर्भाग्य आने वाले 7:19 में वो कहते हैं कि वो जानता है कि सब कुछ का कारण कौन है, वासुदेव, इनको समर्पण करना ही मेरा एक्चुअल धर्म है, मेरा अस्तित्व है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशन। तो ज्ञानियों से नहीं सुनना चाहिए, भक्तों से सुनना चाहिए। तो क्या होगा, हमारे हृदय में जो कलमश है वो सब नाश हो जाएंगे। तो हमारे हृदय में कौन से कलमश हैं, हमने इसका चर्चा पहले भी कभी 6 अध्याय में किया था, कौन से कलमश हैं? अपने आप को देखना क्या है, काला काला है अंदर में, जो हाथ डालेगा काला काला निकलेगा। जैसे हम लोग टॉयलेट धोते हैं तो पूरा, या कभी बर्तन धोते हैं तो उसमें वो लगा रहता है, तो इसका रगड़ते हैं करा करा काला काला निकालते हैं उसको,
तो काला है अंदर में, क्या है काला? काम, अपने को भुगतना। वो तो वो बहुत दूर है, वो मतलब वो लेप के ऊपर का लेप है, मैं कोर लेप की बात कर रहा हूँ जो निकलेगा यहाँ में। भोग करने की इच्छा, अज्ञान। भोग करने की इच्छा तो है, क्या अज्ञान? हम कृष्ण के, हमारे बताता हूँ, हमारे लाइफ के बारे में बहुत सारे कंसेप्शन होते हैं और इन कंसेप्शन पे हम हमारी जिंदगी बिता देते हैं। बात समझ रहे हो? लाइक दो 50-60 बटन है यहाँ पे, उनमें से एक ही बटन जो है वो बल्ब का है। अब आपको क्या करना पड़ेगा? लगाया, बंद किया, ऑफ किया, 50 बार करना पड़ेगा, तब जाके पता चलेगा अच्छा ये बटन है। समझ रहे हो? तो हमें क्या प्रॉब्लम होता है कि हम एक धारणा अपने मन में रख लेते हैं। क्या करते हैं? एक धारणा, ऐसे एक नहीं, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, ऐसे असंख्य धारणाएं हैं और इन धारणाओं का सत्य से कोई अस्तित्व नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए इसने अभी बोला कि मैं ये शरीर हूं, ये एक धारणा है। हम पूरा जीवन क्या करते हैं? इसी धारणा को पाले रहते हैं और इसी धारणा पे जीते रहते हैं, इसलिए बार बार पाउडर लेते हैं, फिर फेयर एंड लवली, फिर लिपस्टिक, मैं ठीक दिख रही हूं, जो सोचता है शरीर एकदम, बॉडी कट्स बार बार देखते रहेगा। अरे वो मूछ कुत्ता हो, वो किया क्यों ये सब? पूरा एनर्जी टाइम का क्यों उसमें डाला? क्यों उसका क्या था उसमें? उसके कंसेप्ट में था, उसकी एक धारणा बन चुकी थी। दूसरी धारणा क्या सोचता है वो? भगवान अव्यक्त है, ये धारणा में जीवन बिता देता है। कोई सोचता भगवान नहीं है, ये धारणा में वो लुटने में लगा रहता है। कोई सोचता मैं ही केंद्र बिंदु हूं उस जीवन। तो ऐसे अनेक कचरा धारणाएं हमारे जीवन में है जिनका हमें, इनकी वजह से ही एक्चुअली हमें परेशानी है और हम हमारा एनर्जी उसी को बचाने में लगाते हैं। बात समझे आप? लाइक कोई आपको बोल दे एक कलिया, हम लड़ जाते हैं अपने भाई बाबा चाचा मामा सबको ले आते, दोस्त लोग टुन्नू मुन्नू चल रहे मारना है उसको, क्यों तो कालिया बोल दिया, तो क्या गलत बोला? काला तो तू है, अगर तू शरीर ही मानते अपने आप को तो काला तो है ना तो फिर क्यों बुरा मानना? और अगर तू आध्यात्मिक है तो तू शरीर ही नहीं है तो काला भी नहीं है तो फिर क्यों बुरा मानना? कोई तुम बोलते बहरा तो गुस्सा क्यों करना? अगर तू बहरा है तो सुना कैसे? आ तो सुन ही लिया तो तू बहरा कैसे? तो सवाल है कि आइदर वेज आपको कोई लेना देना है नहीं। ज्यादा मुझे लगता है और रात को एक बार मैं चिल्लाया था 3-4 दिन पहले सोया और मेरे को ऐसा लगा देखा तो कुछ नहीं था, मतलब कुछ था ही ना। धारणा जो नहीं है उसको बचाने के चक्कर में तो हम सब का एक धारणा बन गया है हर चीज को लेके। उस धारणा को बचाने में, उस धारणा को ही पोषण करने में हम सोचने के, हम सब क्या सोचते हैं? जैसे और एक धारणा है, हम क्या सोचते हैं? पैसे में सुख है, सोचते हैं ना, तो ये क्या है? धारणा। अब पूरा जिंदगी कैलकुलेट करते हैं कि ये यज्ञ करेंगे तो 2 करोड़ आएगा, फिर मैं इसमें डालूंगा, मैं ये करूंगा, फिर आप कैलकुलेशन करना चालू कर देते हैं, करते हैं कि नहीं करते हैं? और पूरा उसी को बचाने में स्विस बैंक के वॉल्ट में उसको ऐसा बटन, ये फिंगरप्रिंट, फेस रीडिंग, ये वो, और पता चलो नोटवा ही बदल दिया सरकार की। पूरा बचाने के चक्कर में पासवर्ड नहीं बताना। और आप जानते हैं सबसे बड़ा जोक क्या है? आपका पासवर्ड कोई भी क्रैक कर सकता है, कोई भी क्रैक कर सकता है। मालूम है क्यों? आप कम से कम 4 बैंक में आपके अकाउंट होते हैं, 5 जीमेल आईडी होते हैं, 6 फेसबुक अकाउंट होते हैं, ट्विटर होता है, इंस्टाग्राम होता है, ये सब आपका है, इससे भी आप बड़े बड़े चीज आप लोगों को मालूम होगा, ये सारे सोशल हैंडल्स आपके होते हैं।
आप क्या करते हो, पासवर्ड तो याद रहता नहीं, सब जगह एक ही पासवर्ड डालते हो। कोई भी कंपनी कल को डूब गया तो सबके पासवर्ड भेजे हो, ऑलमोस्ट 80% लोग जो है वही पासवर्ड रखते हैं। तो हमें लगता है कि हमने बचा लिया। अरे पहले होते थे लोग याद करते थे मोबाइल नंबर, लैंडलाइन नंबर याद रहता था घर वालों को, एक ही रहता था ना पूरे मोहल्ले में। अब क्या है, हरी के पास एक ही मोबाइल में दो सिम है, ऐसे दो दो हैंडसेट है। हेलो, हाँ, अरे तुमसे नहीं, हाँ हेलो। अब वो चार नंबर उसको खुद याद नहीं मेरा नंबर क्या है, उसको तेरा नंबर क्या, तो एक मिनट कह देता हाँ ये रहा। तो पॉइंट ये है कि हम हमारी धारणाओं को जो पाल के रखे हैं ना, इन धारणाओं में असंख्य जीवन बीत चुके हैं, इसलिए जीव नित्य बद्ध कहलाता आने वाला है। नित्य बद्ध यानी है तो वो नित्य, लेकिन यहां क्या है, बद्ध है, वो नित्य बद्ध नहीं है, बात समझो। प्रभुपाद ने क्लियर कर दिया। बहुत लोग इस पर डिबेट मारते हैं, लूंगा मैं, मेरा वर्ष आने देना। तो मैं बहुत तैयारी करके आया हूँ दो तीन दिन से, ऐसा बॉक्सिंग की तरह। और आज तो बैठ के दे रहा हूं, तो एनर्जी भी ज्यादा बचा रहेगा मेरा। तो ये श्रवणम से क्या होगा, सारी धारणाएं आपकी खत्म हो जाएंगी और भगवान के प्रति जो आपका स्वाभाविक प्रेम है वो जाग जाएगा। एक्चुअली हर कोई भगवान का भक्त है, वो खोज भगवान को ही रहा है सब जगह, सुख खोज रहा है। मतलब क्या, कहीं ना कहीं सुख का अनुभव पहले किया था तब तो वो खोज रहा है। अरे आप रसगुल्ला कब खोजते हो बाजार में, पहले कभी खाया है? ऐसा कोई गला था बता, देखो ऐसा हमको नहीं मरना है, क्यों नहीं मरना है, देखो हम रिटेलिएट क्यों कर रहे हैं, दबाने देंगे और लो और। ऐसा कभी नहीं होता है, हम ऐसे दबाते ऐसे रिटेलिएट करते हैं, कोई हमें कुछ करते ऐसे करते हैं क्यों, ये पहले से डर है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं बायोलॉजी की लैंग्वेज रिस्पॉन्सिवनेस टू स्टिमुलाई। इतना बायोलॉजी का याद है थोड़ा थोड़ा। ऐसा नहीं कि मैं डॉक्टर हूँ, पता नहीं आप क्वेश्चन में डाल दिया, और भी कुछ बताइए। और उसके लिए हमारे स्वामी केशवानंद ने क्या बोला, क्योंकि पहले से वो डर है, क्योंकि हमें पहले एक्सपीरियंस हुआ ही है। नहीं वो भी कह सकते, वो नहीं आत्मा मरता नहीं है ना। ताली बजाओ इसके लिए। ऐसे नहीं 96 लाया वो, लेकिन 97 आठ लोगों ने, 6-7 लोगों ने लाया, और भी लोग। तो पर मैं तुमसे तब प्रसन्न होऊंगा जब 100 लाओगे जो कभी नहीं होगा, और बेटा तुम ला के दिखाना। तो हम एक्चुअली मरने वाले हैं ही नहीं, हम आत्मा है ना, आत्मा कोई मरता है क्या? नहीं। तो जब आत्मा मरता ही नहीं है तो तुम उसको मृत्यु का अनुभव दे रहे हो, इसलिए कह रहे नहीं 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 नहीं, उसे फियर है कि ना उसे अनुभव है नहीं मरने का, यहां तुम मृत्यु का अनुभव से दे रहे हो इसलिए दबाता है, बात समझ रहे हो। तो यहाँ पे जब हम उस भागवत को श्रवण करेंगे तो हमारा जो आत्मा का स्वाभाविक प्रेम है भगवान के प्रति वो खिल के आएगा। जैसे आपने देखा है कि कोयला होता है, हम लोग किचन में काम करते हैं ना, अभी तो मैंने लकड़ी ला दी है, पर जब कोयला में हम लोग बनाते हैं तो क्या होता है, वो उसके ऊपर ही राख जम जाता है, उसी का राख उसी को दबाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, लेके फूंकते हैं, फिर उसे कहते हैं, फिर बूम करके आग बाहर आता है। तो आग कहाँ होता है, अंदर वो राख में, वो कोयले में होता है, और राख कहाँ पे होता है, उसी के ऊपर होता है। तो वो जब फूंकते हैं तब निकलता है। तो वैसे हमें रिवाइव आवर कृष्ण कॉन्शियसनेस, जो हमारा ओरिजिनल चेतना है, उसको हम तब रिवाइव कर पाएंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली श्रवणों का महत्वपूर्ण भाग था जो हमें जानना जरूरी है, भगवान के बारे में सुनना। फिर मैंने बहुत कुछ आपको ज्ञान बताया कि भक्ति जो है इसके अलग अलग लेवल है जो हम आगे चर्चा करेंगे, अभी यहाँ तो सिर्फ एक इंट्रोडक्शन दे दिया था मैंने आपको। कुछ हुआ था, तो यहाँ पे कहा गया, दो नॉट इजी टू परफॉर्म, दो इजी टू परफॉर्म बट मोस्ट रेयर। जो भक्ति है ये बहुत आसान है करना, भक्ति कितना आसान है ना, लोग एक्चुअली बोलते भी कभी कभी, अरे तुम्हारा मार्ग तो आसान है, बस लो टाल कुटो हरे कृष्णा हरे राम। लेकिन ये जानता नहीं, इतना करने से वो निकल जाएगा। मैं कल पद्म पुराण पढ़ रहा था, मेरे से छूटा ही नहीं गया, शिव जी क्या स्तुति कर रहे हैं वैष्णव की, बोलते वैष्णव उसे बोल दे भगवान के एक नाम, एक बार नाम ले ले भगवान पगला के उसको उठा के ले जाते हैं।
अगर हम ऐसे भी तो बोलते अगर कोई जैसे हम लोग भी गाते ना कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमः, तो और एक श्लोक है जो वो कहते हैं वो गाओगे, वो एक दो बार भी गा दोगे तो आप वैकुंठ लोक चले जाओगे। वो गाते वो कहते हैं कृष्णाय वासुदेवाय प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमः, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमः, ये भी गा लोगे तो हम बचपन में गाते थे। तो इधर इसको मैंने के बाद ये भी आ गया तो मैं तो थोड़ा कंफ्यूज था ये पहले वाला मंत्र है कि नहीं, है पद्म पुराण में और मंत्र है वो कोई भी गाएगा। तो देखो भगवान विष्णु का नाम ले ले, बहुत सारे भक्त हैं सब वैकुंठ आएंगे, कोई इधर नहीं रहने वाला है ना। लोग बोल रहे अच्छा तो हम इतना सेवा क्यों कर रहे हैं, जाके सो जाता हूं मैं। नहीं तो ऑलरेडी आप लिबरेटेड हो ना, लिबरेटेड सिचुएशन है आपका, बद्ध सिचुएशन नहीं है, आप लोग मुक्त हो। इस वाक्य का गुड़ रहस्य जो है बहुत कम लोग जानते हैं। तो यहाँ पे कहा गया है कि आप सब मेरे बारे में समग्रम जान जाओगे अर्जुन, क्योंकि मैं अभी तुम्हें जो ज्ञान बताऊंगा ये जनरली कोई जनरली खोज खोज के भी नहीं मिलता, क्योंकि उपनिषदों को और वेदांत सूत्रों को पढ़ने के बाद एक एक वर्ड को एक से जोड़ने के बाद भी ना क्लियर नहीं होता ज्ञानियों को, लेकिन यहाँ भगवान स्वयं अपने मुख से बोल रहे हैं, हाँ सब क्लियर हो गया। ठीक है, तो फिर हमने वो तर्क देखा था और मैंने आपको वो लास्ट में 18.55 कोट करके बोला था ना, भक्त्या माम अभी जानाति यावन यश्चास्मि तत्त्वतः था, तब मैंने आपको 11वां अध्याय भी खुलवाया था और 54वां श्लोक पढ़वाया था। उसके बाद देखो कुछ और चीजें शायद मैंने नहीं कोट की थी, ये मुझे अब ध्यान में आ रहा है क्योंकि इधर तक मैं आया ही नहीं था। आया था क्या? नहीं आया था। मैंने आपको ये पढ़ाया था 10वें स्कंद का 47वें के 59वां श्लोक, नहीं ऐसा नोट्स में देखो तो नहीं ना पढ़ाया था, नहीं हाँ 11-54 अत्याचारी 18-55 शिकोला ना 1855 बराबर। तो देखो मैं उस दिन इतने हैंग में था कि मैं उसको ही लास्ट नोट समझा, उसके आगे एक पन्ने के नोट से बोला कि कहा अच्छा हुआ, इसलिए मैंने रिपीट कर दिया, आई एम रियली सॉरी, मेरे को उस दिन कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इतना हो रहा था। ठीक है, तो अगला एक पॉइंट आता है अकॉम्प्लिशमेंट ऑफ लिबरेशन थ्रू ज्ञान एंड अष्टांग योग इज ब्रॉट थ्रू इन्फ्लुएंस ऑफ भक्ति, विदाउट भक्ति दिस टू आर इनसिग्निफिकेंट। या मैं उस दिन ये भी समझा रहा था आपको कि वो भी जो लोगों को या उनको लिबरेशन मिलता है, ये उस दिन माता जी ने पूछा ना, जो गेस्ट माता जी थे क्या बोल रही थी कि प्रभु जी आप तो बोल रहे कि लिबरेशन से भक्ति से मिलता है, क्योंकि अभी हमने बोला ना भक्त आई कैन ओनली बी नोन थ्रू भक्ति एंड आई एम ओनली ऑब्टेन्ड बाय भक्ति, मैं सिर्फ भक्ति से ही मिलूंगा या लिबरेट हो सकते हैं आप भक्ति के बिना, नहीं लिबरेट हो सकते भक्ति के बिना। तो सवाल आता है जो निष्काम कर्म योग कर रहा है वो तो समझो निराकार की भी उपासना कर सकता है या ज्ञान में जाके ध्यान करके परमात्मा के फीचर को एब्सोल्यूट को पकड़ सकता है। तो सवाल आता है कैसे, फिर उसका कैसे लिबरेशन का बात हो रहा है, तो उसको भी जो वहां लिबरेशन बताया गया ना, ही इज लिबरेटेड फ्रॉम ऑल द कर्मास, उसको कोई अखिल कर्मों से बंध से निकल जाता है, ये सब है ना चौथे पांचवे में पढ़े थे ना एग्जाम में पढ़े थे, याद है ना, वो सब पाप से मुक्त हो जाता है और मुक्त हो जाए लिबरेट हो जाता है। तो कैसे होता है, तो आचार्य समझाते हैं उसमें भी जब तक भक्ति का टिंज नहीं होगा, टिंज यानी भक्ति की लेश मात्र नहीं होगी तो वो भी उसे प्राप्त नहीं होगा, तो इसलिए हाँ भक्ति को कहा गया है। अब बात समझे, तो ये यहां समझाया गया है। तो उसके लिए श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 47वें अध्याय के 59वें श्लोक में प्रमाण आता है, नान विश्वरो अनु भजतो अविदुषो अपि साक्षात् श्रेयस्तनोति अगाध राज इवो प्युक्तः। इज इट ट्रू दैट सुप्रीम लॉर्ड हिमसेल्फ अवार्ड्स हिज ब्लेसिंग्स इवन टू द इग्नोरेंट वर्शिपर जस्ट एज बेस्ट मेडिसिन वर्क्स इवन व्हेन टेकन बाय पर्सन इग्नोरेंट टू द इंग्रेडिएंट्स। मैंने ये समझा था शायद, अगर कोई अज्ञान में भी दवाई ले ले, अज्ञान में भी कोई दवाई ले लो तो क्या होगा, उसका काम करेगा। मैंने जो दवाई खाई मुझे क्या मालूम, तो क्या है टप अगर खा ले नींद आ रहे हो सो जाओ, इसलिए आज सुबह नहीं लिया मैंने, अलग क्लास में एक मिनट करके सो जाएगा आदमी। तो अगर कोई अज्ञान में भी दवाई लेता है तो वो उसको भी ऊपर भी दवाई काम करेगा, तो उनका क्या कहना, क्योंकि ये लोग भी जो है निष्काम कर्म योगी ज्ञान योगी ध्यान योगी ये भी क्या करते हैं, ये ध्यान लगाएगा कब, जब तक थोड़ा बहुत भक्ति नहीं होगा वो क्यों
कर पाएगा। तो ये स्ट्रेंथ भक्ति से आती है, ये यहां पे कहा गया है। मोक्ष धर्म में कहा गया है, यो वही साधना संपत्ति पुरुषार्थ चतुष्टये तया विना तद आपनोति नरो नारायण श्रयः। इवन विदाउट परफॉर्मिंग एक्शंस फॉर अटेनिंग फोर पुरुषार्थस धर्म अर्थ काम मोक्ष, द पर्सन हु सरेंडर्स टू नारायण अटेन्स द गोल। कि अगर कोई चार पुरुषार्थों के लिए काम न भी करे, बहुत हाई चीज है। अब एक याद रखिए, मैं हर एक डिवोटी से कह रहा हूं, भक्ति को अपने दिमाग के लॉजिक से नहीं, साधना आपका एक वो है, ऐसे नहीं भक्ति में साधना नहीं है, लेकिन भक्ति में कृपा प्राप्त करने की साधना है। अब समझे, लाइक भिखारी टाइप आपको जीना, जैसे भिखारी क्या करता है, हमको एक सन्यासी बोल रहे थे कि हम सब भी भिखारी की टाइप ही हमको रहना चाहिए। भिखारी मतलब कपड़े फाड़ के नहीं रहना है, लेकिन एक चेतना जैसे भिखारी कैसे आप जाओ कभी कई परिक्रमा में जाओ तो नहीं दिखाते, ऐसे पाँव में लगा लेता है वो काला पीला वो कलर, आपको सच में दया आता है, आप निकाल के दे देते हो। कभी कभी किसी को मालूम रहता है कि ये नकली है और उसको एक्टिंग देके खुश होकर उसको दे देता है। तो हम लोग जो यहाँ भक्ति में काम कर रहे हैं, अभी कार्यरत है, एक्चुअली हम लोग कोई भक्त है नहीं, हम लोग का क्या है, एक्टर, एक्टिंग क्लासेस है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे ओ हम लोग तो इज अ सीरियस डिवोटी, डिवोटी है मतलब कृपा प्राप्त है, तो सीरियस किस चीज का है मतलब जैसे दो भिखारी होते हैं ना, वो एक दूसरे पे कभी गुस्सा नहीं पालते, मालूम है क्यों, तुम समझ रहे हो, एक दूसरे लड़ेंगे तो माल वो जो आदमी है ना इसको देगा ना इसको देगा, तो ये लोग क्या सेटिंग करते हैं, अपन दोनों भी रोते हैं, जिसको पहला मिलेगा अपन भी बांट लेंगे, ये इस कांच को दब दबाते हैं, फ्रस्ट्रेट होकर निकाल के एक को दे देते, जाओ भागो, तो फिर अंदर में लोग सेटिंग कर लेते हैं। वैसे हम लोग डिवोटीज को क्या करना चाहिए, सब लोग प्रैक्टिस करो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, प्रभु दीजिए कृपा करिए, बद्ध जीव है फंसे हुए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान एक पे प्रसन्न होके दे देंगे, फिर हमको क्या करना, नहीं चाहते बोले इधर आ बटवारा, हाँ फिर वो बोलता है प्रभु मैं तो आ गया, पर वो प्रभु जी किधर है जिन्होंने लेक्चर दिया था, है वो रास्कल है, एक्टर है, एक पक्का एक्टर है, वो कोई ड्यूटी ओटी नहीं है। बोलते हैं क्या उनके वजह से मैं, अच्छा ठीक, तेरे को अच्छा लगा क्या, ठीक है ले आ जाओ। एक बार श्रीपाद रामानुचार्य की जय, श्रीपाद रामानुचार्य की जय, श्रीपाद रामानुचार्य श्री संप्रदाय के आचार्य हैं। तो श्रीपाद रामानुचार्य को उन्होंने जाने से पहले 12 साल के बच्चे को, बच्चा तो नहीं सर मतलब ऐसे तो चेतना में बड़े दिव्य थे पराशर भट्ट, उनको उन्होंने बना दिया आचार्य। आप सोचो 12 साल के बच्चों को आप आचार्य बना दोगे तो स्वाभाविक है सब लोग द्वेष करेंगे, जलेंगे, एक बड़े बड़े लोग जलेंगे ना, थोड़े जो उम्र में बड़े हैं अपना अनुभव में बड़े हैं उनको लगता है क्या टिल्लू टुल्लू को दे दिए आचार्य पद। लेकिन क्या अब रामानुचार्य दिया था तो संप्रदाय का बात था, तो उन्होंने बोला, तो जाने से पहले इन्होंने जाके पूछा पराशर भट्ट ने कि गुरुदेव आप तो चले जाओगे पर ये बताइए कि हम सब वैकुंठ कैसे जाएंगे। तो बोलता अरे जो भी भगवान को प्रसन्न करता है और सभी वैष्णव को प्रसन्न करता है तो भगवान उसे वैकुंठ में स्थान दे देते हैं। तो बोलते लेकिन ऐसे भी तो लोग होंगे जो भगवान को प्रसन्न करना चाहते लेकिन भक्तों को नहीं कर सकते। बोले नहीं, एटलीस्ट आपको कुछ एक समुदाय के भक्तों को तो आपको खुश करना चाहिए, मतलब कुछ इंटेलेक्चुअल ग्रुप ऑफ ड्यूटीज या सेवाभावी ड्यूटीज या सब, देखो कुछ ड्यूटी ज्ञानी नहीं होते लेकिन सेवा बहुत करते हैं, रथ यात्रा का रथ बना देंगे हरी बोल, कुछ लोग बलून लगाने में, कुछ लोग फुल डेकोरेशन में, कुछ माता ही लोगों को कुछ नहीं आता, सिर्फ राजभोग बनाते रहो कड़ाकड़ बस मैनेजर किचन में सामान डालते रहे और वो बनाते रहे तो स्पॉन्सर वाले को अच्छा लगता है कि मैंने पैसा दिया आज मेरे पैसे बना, सबको खुशी होती है, ऐसे नहीं कि बनाने वाले कोई खुशी, भगवान सबको दे देते हैं। तो वो क्या है, ऐसे कोई समूह है उसको भी खुश कर दो तुम, कोई दिक्कत नहीं। तो उतरे लेकिन ऐसे भी तो कोई होगा जो किसी को खुश नहीं कर पाता है। बोले नहीं, एटलीस्ट एक डिवोटी को तो उसने खुश करना चाहिए। तो फिर वो एक भी ड्यूटी अगर उसके नाम से रिकमेंडेशन मार दे तो उसका काम हो जाएगा। बोले अगर कोई ऐसा है स्वभाव कि वो एक भी ड्यूटी को खुश न कर पाए तो, बोले नहीं नहीं नहीं, भगवान इतने दयालु हैं कि अगर उसने किसी एक ड्यूटी को एक क्षण के लिए भी अगर खुश कर दिया हो तो भगवान के रिकॉर्ड में आ जाते हो।
यहाँ तो हमने कितने क्षण दे रखे सेवा के लिए, तो ये फायदा है। तो भक्ति क्या है? कृपा है। क्या है? कृपा है। और ये सब कैसे है? अपना बोझा लेके जाने के बराबर है। अपना मन बुद्धि अहंकार, फिर वो इंद्रिय इंद्रिय विषय, इनका ये उनका वो सब संभालो, इधर से नाक को वहां मत ले जाने दो, तब तक कान आवाज सुन रहा है तू मिले, बोला ना नाचिस पर नहीं ना। सब अंदर करो, चेतना अंदर करो करो करो, फिर अंदर मन विचलित, काम वासना डाड़ कर, अरे खत्म सब लो इधर इधर ना। इसमें भी भक्ति है ना? भक्ति टिंज में है, अभी आएगा 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 आएगा। ये जो भक्ति है इसमें, इसको बोलते हैं, देखो ऐसा कहते हैं, प्रधानी भूत भक्ति होता है वो। ये जो अभी अध्याय आ रहा है ना, इसको कहते हैं, मैं आगे आऊंगा, सिर्फ तुमको बताने के लिए तुमने पूछ लिया इसलिए, इसको बोलते हैं प्रधानी भूत भक्ति। प्रधानी भूत मतलब इसमें प्रधान रूप में क्या है? भक्ति है, जिसकी बात हम अभी कर रहे हैं। और पीछे जो हुए थे ना तीन, ये कर्म भूत कह सकते हैं, कर्म प्रधान या ज्ञान प्रधान या ध्यान प्रधान, योग प्रधान थे, मतलब उसमें योग महत्वपूर्ण था, और भक्ति जो था वो एक ड्राइविंग फोर्स की तरह था, मतलब उसका प्रथम स्थान नहीं था। जैसे बीज है तो बीज छोटा है, बाद में अंकुरों के बड़ा होके वो फल दे के हजारों बीज क्रिएट कर देगा, लेकिन अभी वो बीज है। तो अभी ये जो निष्काम कर्म योग है, ध्यान योग है, ज्ञान योग है, ये सब केवल क्या है, मतलब इसमें टिंज है, इसमें मतलब है, नहीं है ऐसा नहीं। फिर अब क्या आएगा, भक्ति में यही तीन अंदर कॉपी पेस्ट होने वाले हैं। उनको कहा जाता है कर्म मिश्र भक्त, ज्ञान मिश्र भक्त, योग मिश्र भक्त और केवल भक्त। केवल भक्त को अनन्य भक्त, अकिंचन भक्त ये कहा गया है। इसमें अब अलग आनंद, अब हम गोता मार रहे हैं अपने एरिया में, ठीक है, उसको इससे मिक्स मत करना। इसमें ये प्रधान है वो थोड़ा है, इसमें वो प्रधान है ये थोड़ा है, तो जो मैक्सिमम है वही जीतेगा। मतलब जैसे अब आप बोलोगे इस क्लास में सबको पढ़ने वाले इंटरेस्ट से बैठे हैं, पर एकाद ऐसे आके बैठे हैं जैसे अभी उन्हें आके बैठा है, या तो डर के मारे बैठे हैं, प्यार से बैठे हैं, तो अब उसको नहीं भी समझना तो भक्ति में मुंडी हिलाएगा ना, हाँ 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 समझ रहा है, क्योंकि नहीं बोलेगा तो भगा देंगे। मजाक कर रहे हैं तुम्हारा, तो ऐसा है, बात समझ रहे हैं, तो वो मेजर का रूल लागू हो जाएगा, ऐसा वाला है। तो यहां पे कहा गया है कि अगर कोई नारायण का आश्रय ले ले, तो ये श्लोक में क्या गया मोक्ष धर्म में, कि अगर कोई चतुर पुरुषार्थ का कार्य नहीं भी करता है और मोक्ष अर्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष का कार्य न करते हुए भी वो नारायण का आश्रय अगर ले ले तो क्या होगा, वो निकल जाएगा। फिर श्रीमद् भागवतम में छठे स्कंद के 16वें अध्याय के 44वें श्लोक में आता है, यन्नाम सकृत श्रवणात् पुकस्सो अपि विमुच्यते संसारात्। नॉट टू स्पीक ऑफ सीइंग यू पर्सनली, मियरली बाय हियरिंग द होली नेम ऑफ योर लॉर्डशिप ओनली वंस, इवन चंडालास लोअर क्लास आर फ्रीड फ्रॉम संसार। अरे आपको देखने का छोड़ो, मतलब आपको देख के मुक्त हो जाए ये सब छोड़ो, अगर कोई आपका नाम भी सुन ले, ओनली वंस, कितनी बार? चल ले चले तुम्हें तारों के शहर में, धरती पे ये दुनिया हमें प्यार न करने दे। धरती पे क्या प्यार, तो ऐसे नहीं कर रहे थे, तो भगवान बोलते चल ले चले तुम्हें, लेकिन क्या करना होगा, यहाँ पे कम से कम एक बार नाम लेना होगा। उसे भी देखा एयरलिफ्ट किया है, इसे भी भगवान एयरलिफ्ट कर लेते हैं, ऐसे चल उठा लेते हैं। तो कोई आर्गुमेंट कर सकता है, ओ इस श्लोक के हिसाब से, डज योर डिवोटी मदगते ना क्वालिफाई बाय ज्ञान एंड विज्ञान, मतलब मदगते अंतरात्मना, ये है ना श्लोक, क्या है एक मिनट इसको, हाँ क्या कहा गया है, मदगते ना, हाँ वो पहले नहीं कहा था भगवान ने, पहले जो आर्गुमेंट्स में कहा था, डज योर डिवोटी
क्वालिफाई बाय ज्ञान एंड विज्ञान, तो बोले नो, जो ज्ञान और विज्ञान है क्या इस क्वालिफिकेशन, आपका कहना है कि इस क्वालिफिकेशन से क्या उसे वो लेवल पे आता है कि अब ज्ञान हो गया विज्ञान हो गया, तो बोलते सुनो श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के 2 अध्याय के 42वें श्लोक में आता है, भक्ति परेशानुभावो विरक्तिर अन्यत्र चैस त्रिक एक कालः प्रपद्यमानस्य यथाश्नतः स्युः तुष्टि पुष्टि क्षुद अपायो अनुघासम। डिवोशन, डायरेक्ट एक्सपीरियंस ऑफ सुप्रीम लॉर्ड एंड डिटैचमेंट फ्रॉम अदर थिंग्स, दीज थ्री ऑकर साइमल्टेनियसली फॉर वन हु हैज टेकन शेल्टर ऑफ सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड इन द सेम वे एज प्लेजर नरिशमेंट एंड रिलीफ फ्रॉम हंगर कम साइमल्टेनियसली एंड इंक्रीजिंगली विथ ईच बाइट फॉर अ पर्सन एंगेज इन ईटिंग। तो ये क्या कह रहे हैं, ये सवाल क्या है कि प्रभु कि मेरा तुम्हारा जो भक्त है वो मतलब ज्ञान आ गया और क्या बोलते उसको ज्ञान और विज्ञान मतलब साक्षात्कार आ गया तुम्हारे बारे में, अब क्या वो फिर धीरे धीरे भक्ति मतलब उस लेवल को प्राप्त करता है? बोले ना 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 ना, ना ये सब कैसे है इस मार्ग में कैसे है एक साथ। जैसे कोई भूखा है तो भूखा है तो क्या क्या प्रॉब्लम है, भूख लगा हुआ है मतलब अतृप्तता है, शक्तिहीन हो गया है क्योंकि ताकत नहीं है, खाना नहीं मिला है उसे बहुत टाइम से, शक्तिहीन है और क्या है पेट दर्द कर रहा है। अब क्या होगा जो ही वो एक खाएगा क्या हुआ, इसको भी मिल गया इसको भी मिल गया, ताकत भी बढ़ गया। अब ऐसा नहीं होगा कि सब खाने के बाद ताकत आया, कैसे हुआ खाते खाते जितना खाते जा रहा है उतना और खाने की ताकत, बात समझ रहे, और उतना और उसको एनर्जी हाई हो रहा है। वैसे ही भक्ति आप करते हो ज्ञान वैराग्य बढ़ते जाता है, ज्ञान विज्ञान साक्षात्कार बढ़ते जाता है, फिर और बढ़ जाता है, फिर और लेने की क्षमता होती है, और कर आनंदाम बुद्धि वर्धनम बढ़ते जाएगा। इसलिए कहा गया therefore not little food, इसलिए कम नहीं खाता वो, इसलिए मेरा भक्त है ना वो क्या हो जाता है थोड़ा नहीं लेता अपितु इतना लेने लगता है कि उसको आप रोक ही नहीं सकते। इसलिए भगवान ने कहा मैया आसक्त, इस श्लोक में क्या कहा गया है मैया आसक्त, मई आसक्त, आसक्त क्यों हुआ टुकड़े टुकड़े में नहीं खाते खाते वो अभी उसको आनंद आने लगा है, ये रुक नहीं पाएगा। इसलिए भक्ति देखो ऐसा होता है ज्ञान कर्म निष्काम ध्यान ये बहुत मेहनत से ये इधर आता है और ये ना सब करके अंदर लेके रहता है, ये ऐसा चीज है ना। देखिए भक्ति में प्रगति करना ऐसा है, एक जीवन में ढप करे भगवत धाम, ध्यान योग में हजारों हजारों साल बैठे, निष्काम कर्म योग में अनेक जन्म चले जाते हैं अनुभूति करने के लिए, ये कैसा है इंस्टेंट। तो यहां कहा गया बिकॉज दिस योगा इज रिलेशनशिप विथ मी योगम युंजन, क्योंकि इधर है ना ये फास्ट क्यों हो जा रहा है क्योंकि आगे बीच में मैं कौन है, मैं खुद हूं। आप बात समझो, अभी तक वहां कौन था बाकी में, वो खुद करता था, यहां कौन है भगवान। तो अगर जैसे आपको आपको साइकिल चलाने दिया या गाड़ी दिया, आप कितना स्पीड से चलाओगे, ज्यादा 80, 90, 100, 200, गाड़ी का लिमिट समझो 160 है, हैं तेरा गाड़ी कितना है, बुलेट क्या है तेरा, पैंडो कमांडो कितने है उसका स्पीड, 160 160 180 के ऊपर जाएगा हाँ, फिर तो सीधा भगवान को मिलेगा। भगवान बोले अरे इतना तेजी से तो हम भी नहीं चलाते। हाँ एक बार प्रभुपाद गाड़ी में बैठे थे और एक सन्यासी गाड़ी चला रहे थे, प्रभुपाद को एक जगह से एक जगह ले जा रहे थे लेक्चर के लिए, तो आप प्रभुपाद को देखते जोश में 80 के ऊपर दिखाने के लिए हमारे अमेरिकन रास्ते कितने अच्छे हैं, वो फुल स्पीड में चला रहा था, प्रभुपाद बोले 80 80 के नीचे रखो 80 के आसपास रखो ना, प्रभुपाद कृष्ण है आपको तो क्या टेंशन है, भगवान कृष्ण है, बोले नहीं मैंने बात किया था, कृष्ण बोले 80 के बाद लोग गारंटी नहीं लेंगे। 80 के नीचे रख, 80 के अंदर मेरा बात हो गया तू। तो अब यहां अगर भगवान व्हीकल चला रहे तो कितना स्पीड से चलाएंगे, ठीक है, तो अब
जब भगवान को खींचने की बारी आने वाली है तो सोचो कितना जोर से वो खींचेंगे। तो इसलिए ये आसक्त कैसे हो जा रहा है वो, क्योंकि खींचने वाला कौन है? भगवान। वो गाना कौन सा है? ये डोर खींचे जाए, क्या है वो? तेरी ओर लिए जाए, क्या गाना? श्याम मस्तानी मदहोश किए जाए, क्या गाना आगे? मुझे डोर कोई खींचे, हाँ मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जाए, वादे कोई तो भाई से शिष्य तेरी ओर लिए जाए। मैं भौतिक चीजों के पास जा भी रहा हूँ, मुझे बंगला चाहिए, बोले बात इधर बर्तन घिसो हरी बो। मुझे आज भी याद है हमारे गौरांग प्रभु है ना जो चौपाटी के, वो अपना अनुभव बताते थे कि वो भक्ति में जब आए, आईआईटी में थे बॉम्बे में, आईआईटी पवई, तो वो तीन ड्यूटी ने डिसाइड किया कि हम लोग प्रसाद बना के खाएंगे, अपना ही बनाएंगे, हम लोग बाहर का खाना नहीं खाएंगे बिना भोग खाया बना हुआ। तो जिंदगी में इन्होंने कभी कुछ बनाया नहीं था, तो इन तीनों दोस्तों में एक ने बोला मैं खाना बनाऊंगा, एक ने बोला मैं परचेजिंग करूंगा, और इनको बोला गया था गौरव आप बर्तन आपका सेवा है, तो बोले ठीक है। इसलिए देखो तब उन्होंने एक कुकर घिसा, आज वो 8-8 हज़ार लोगों का खाना अकेले बना लेते है ना। तो अपने एक अनुभव शेयर कर रहे थे वो, एक क्लास मैंने सुना था, तो वो बोल रहे थे कि जब वो नए आए थे तो उनकी मम्मी को फोन किया कि मम्मी पैसा भेजो कुकर चाहिए। मम्मी बोले आईआईटी में कुकर, आईआईटी में लोग पढ़ते, बोले अब क्या बोले, बोले थोड़ा हम लोग कुछ बन भेज दिया, इन्होंने लाया सब, तो पकाने लगे लोग खाना वाना जैसे तैसे बनता था, और ये बर्तन घिसने लगे, तो इनके दोस्त आके हंसते थे कि क्या देख आईआईटी में तेरा क्या हाल हो गया, हरे कृष्णा वाला तेरा क्या कर दिया। तो बोलते थे कि मुझे ना मतलब वो हंसते थे तो बुरा भी लगता था कि हंस रहे मेरे को यार, अंदर से बोलते थे क्या तू यही करने के लिए आया था क्या, बर्तन घिस रहा यही करने के लिए आया था, वो अंदर से बोलते अपने आप को। लेकिन बोले मेरा हाथ बाहर भी नहीं आ रहा था। मतलब एक होता है ना नहीं करूंगा, बोले वो हाथ अंदर ही रह रहा था, ऐसे लग रहा जैसे वो अंदर कोई तुकर ये। तो ये जो इनर कॉल है ना लाइफ में, ये इनर कॉल भगवान से आता है। और देखो भक्त है ना, एक दूसरे भक्त से लड़ भी जाएगा ना तो भी अंदर में सोचता रहता है फिर कब बुलाएगा वो। थोड़ा सेटल कर लेना चाहिए, बहुत दिनों से महाप्रसाद नहीं खाया है। तो ये जो पुल है, ये किस चीज का पुल है? भगवान। वहां केंद्र में कौन है? भगवान। इसलिए उसको कहा गया है अनन्य भक्ति, नो शेल्टर ऑफ कर्म एंड ज्ञान, यानी ज्ञान और कर्म का कोई आश्रय नहीं है, उसे अनन्य भक्ति कहते हैं। और वो पर्सनल है, वो कैसा है? व्यक्ति विशेष है। भगवान से भक्ति तब आप कर सकते हो जब आप कह रहे हो आप भगवान को पर्सन के रूप में मानते हो। अगर आप अव्यक्त मानते हो तो आप उपासक हो सकते हो, भक्त नहीं। आप चंदन फंदन लगा सकते हो, हरे कृष्ण का भी जप कर सकते हो। कुछ लोग बोलते आमी तो भक्तो बाबा पर परब्रह्मे जाछिन, बोला हमारे चौपले खाछिन। ये तो अनेक कष्ट हो, अनेक कष्ट है ये। भगवान खुद बोलते 12वें अध्याय में, 12वें अध्याय का 5वां श्लोक करो, बोलते हैं कैसे कितना कष्ट है अव्यक्त की उपासना करने में, कितना कष्ट है। और उसको उपासना कहते हैं जब, अरे प्रेम तो तब होगा ना जब कोई दिख रहा है, भक्ति तो तब मानी जाएगी। क्या कहा गया है? क्लेशो अधिकरस्ते शाम अव्यक्ता सक्त चेत साम अव्यक्ता ही गतिर दुखम देहवद्भिर अवाप्यते, कि ये क्लेशदायी है ये उपासना। कैसा है? क्लेशदायी। ठीक है, फिर और एक विषय आता है, कहते हैं इनफैक्ट ब्रह्मन इज एक्सप्रेशन ऑफ माई ग्रेटनेस। ये जो ब्रह्मन तुमको दिख भी रहा है ना, ये मेरा ग्रेटनेस का विस्तार है और कुछ नहीं। तुम लोग इसी में फंसे रह जाते हैं, लेकिन ये कुछ नहीं है, मतलब मेरे ग्रेटनेस का विस्तार है। तो उसमें प्रमाण आता है, मत्स्य जो है वो सत्यव्रत मुनि को कहते हैं, सत्यव्रत को कहते हैं 8वें भागवतम के 8वें स्कंद के 24वें अध्याय के 38वें श्लोक में, मदीयम महिमानम च परम ब्रह्मेति शब्दितम वेत्स्यसी अनुग्रहितम में संप्रश्नेर विवृतम हृदि, यू विल बी थरोली एडवाइज्ड एंड फेवर्ड बाय मी एंड बिकॉज योर इंक्वायरीज एवरीथिंग अबाउट माय ग्लोरीज विच आर नोन एज परब्रह्म विल बी मैनिफेस्ट विद इन योर हार्ट। तो मेरी जो महानता है वो आपके हृदय में
स्थापित हो जाएगी कि आपने ये पूछा है, तो मैं स्थित कर दूंगा। और यहाँ पे समग्रम कहा गया है, समग्रम का मतलब है भगवान को, भगवान कह रहे हैं तो मुझे तुम समग्रम जान जाओगे, यानी व्यक्त भी जान जाओगे और मेरा अव्यक्त का पार्ट भी जान जाओगे। हाँ, क्योंकि अव्यक्त जो है ब्रह्मण कहां से आता है, 14:27 बोलिए, ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठा हम अमृतस्य अवयस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य कांतिकस्य च। रटा नहीं था श्लोक, श्लोका में छोड़ दो, बैठो, 14:27 था। ठीक है, चलिए दूसरा श्लोक खोलिए, अभी हम लोग 7वें अध्याय के दूसरे श्लोक में प्रवेश कर रहे हैं। नहीं, वो पहला वाला जो था ना, तो प्रभुपाद ने छोटा परपोट लिखा, बलदेव जयसिंह छोटा लिखा, ओ विश्व जगडगुरु। ऐसा है, मैं आपको बताता हूँ, जो ही मॉडर्न साइंस टेक्नोलॉजी मायावादी को ठोकने की बात आती है तो प्रभुपाद बड़ा परपोट लिखते हैं। जो ही उपनिषद या कुछ कोट करने का बात आता है तो हमारे बलदेव विद्याभूषण बड़ा परपोट लिख देते हैं। आज जो ही भक्ति का बात आता है तो प्रभुपाद एवरेज लिखते हैं, बलदेव विद्याभूषण थोड़ा लिखते हैं, और ये हमारी विश्वनाथ चक्रवर्ती 4-5 पन्ने लिख देते हैं। मुझे प्रॉब्लम है कि मैं जब देखता कि प्रभुपाद परपोट खुश है, छोटा है, जल्दी नोट्स बन जाएगा, इनका खोल के देखता हूं तो 4 पन्ने का है, बोले अरे क्या हो गया। तो अच्छा भी है क्योंकि हर एंगल से हम इसको देख रहे हैं, वरना इतना डेप्थ आपको कैसे पता चलेगा जब तक हमें आचार्य नहीं बताएंगे। बहुत अच्छा, ठीक है, दूसरा श्लोक खोलिए। ज्ञानम ते अहम स विज्ञानम इदम वक्ष्यामि अशेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोन्यान् ज्ञातव्यम् अवशिष्यते। अब मैं तुमसे पूर्ण रूप से व्यवहारिक तथा दिव्य ज्ञान कहूंगा, इसे जान लेने पर तुम्हें जानने के लिए और कुछ भी शेष नहीं रहेगा। पहला इनके प्रॉमिस में मत रहना है। लास्ट तक बोलते जाएगा इसे, और उतना काहे को, आगे मैंने वर्सेस पढ़े, ब्रह्मा जी बोलते हैं तुझे वैसे भी जानना इम्पॉसिबल है क्योंकि तू रोज भी तो नए नए करते रहता है, तेरे जो इतने सारे हैं कि कोई ये कह ही नहीं सकता कि मैं आपको कंप्लीटली जानता हूँ, समझ रहे हो? ऐसा है, पेंटिंग करने के लिए पेंटिंग बदल जाता है ना, एग्जांपल है। हाँ, वो खुद ही ऐसे देखते हो, कृष्णा वो पिलर में देख के बोलते ये कौन है, हाँ यशोदा को बोलते हैं, उधर भी बोलते हैं, ये वृंदावन का लीला है, वो माखन चुराते ना भगवान, तो छुप छुप के जाते हैं यशोदा से कहीं पे खाने के लिए, खाने को जाते हैं तो उनको वहां ना वो दिखता है जो एक शेडो दिखता है उनका, उधर से वो भी करता है, तू भी करता है, तो बोलता अरे मैया देखो मेरी नकल कर रहा है, ये कौन है? तो बलराम जी और यशोदा मैया हंसते हैं, ये कृष्ण है, पता नहीं इनोसेंट है कि एक्टिंग करते हैं। जाके पूछूंगा। ठीक है, तो यहां कहा गया है ज्ञानम तेहम विज्ञानम, तो तो प्रबद्ध लिखते हैं नॉलेज बोथ फिनोमिनल एंड न्यूमिनल। फिनोमिनल यानी ये दुनिया, और न्यूमिनल मतलब नॉलेज इज इक्वल टू फिनोमिनल प्लस स्पिरिट बिहाइंड इट, मतलब उसके पीछे का जो सोर्स है, यानी कोई भी एनर्जी होती है उसका क्या होता है, एनर्जेटिक होता है। जैसे हवा बह रही है तो इसका मतलब फैन हिल रहा है, फैन हिल रहा है तो क्योंकि करंट सप्लाइड है, करंट सप्लाइड है मतलब कहीं तो पानी गिर रहा था उसने टर्बाइन के हिसाब से उसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर दिया, पानी गिर रहा था तो बारिश से आया, बारिश आया क्योंकि तुमने वो किया यज्ञ किया इसलिए बारिश हुआ, यज्ञ तुम्हारे मतलब ये फैन भी तुम्हारे प्रिस्क्राइब ड्यूटी से चल रहा है। नहीं, तुम्हारे प्रिस्क्राइब ड्यूटीज को फल देने का काम कौन कर रहा है? यज्ञ हुआ विष्णु, कौन कर रहा है? विष्णु। सर्व कारण फैन किसके वजह से चल रहा है? अरे अब तुम लोग फर्स्ट एक चैप्टर में तुम लोग पारंगत हो गए। ठीक है, तो वेदों में कहा गया है मुंडकोपनिषद 1.3 में क्या कहा गया, यस्मिन विज्ञाते सर्व एव विज्ञातम भवन्ति, व्हेन कॉज ऑफ ऑल कॉजेस भवति है वो, व्हेन कॉज ऑफ ऑल कॉजेस बिकम्स नोन नथिंग रिमेन्स
अननोन। जब सभी कारणों के कारण आपको पता चल जाएंगे तब कुछ भी ज्ञान बचने लायक नहीं रहे। देखो ना हमने क्या कर दिया, पंखा घूम रहा है उसका कारण कहाँ लगा दिया, ऐसे सत्य है ना, आसान है। तो विज्ञानम यानी नॉलेज ऑफ माय स्वरूप अपार्ट फ्रॉम दोज एनर्जीज। तो ज्ञानम हो गया कि जो भी आपको दिखता है और उसके पीछे का कारण, और विज्ञानम क्या हो गया, हाँ साक्षात्कार। और लेकिन यहाँ पे इस एंगल से भगवान के पॉइंट ऑफ व्यू से वो हो गया रियलाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू, भगवान के पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया भगवान का स्वरूप, ये समझना विज्ञान। मैं दोनों भी तुम्हें बताऊंगा। तीसरा खोलो, मनुष्याणां सहस्त्रेषु कश्चित् यदति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चित् मां वेति तत्त्वतः। कई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है, और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से विरला ही कोई एक मुझे वास्तव में जान पाता है। देखो मतलब एक तो यहाँ पे भी आएगा कौन कौन कितने लेवल पे उनको जान लेता है, लेकिन कितना भगवान को जानना कितना रेयर है, इतना आसान नहीं है। तो यहाँ कहा गया है ब्रह्म संहिता का पहला श्लोक क्या है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह कि भगवान ईश्वर कृष्ण क्या है, सभी कारणों के कारण है। तो यहाँ प्रभुपाद जी समझाते हैं कि भक्ति इज इजी, भक्ति आसान है, परंतु जो अभक्त है वो क्या करते हैं, वो कठिन मार्ग लेने में विश्वास करते हैं। जैसे खाना यहाँ रखा है, करना क्या है, ऐसे करेंगे, फिर एक पांव योगा का यहाँ करके इसको सपोर्ट के कैसे लगेगा आपको खाना ऐसे खिलाए तो। हाँ बच्चा क्या करता है, मम्मी आराम से बनाती है उसके लिए मुलायम मुलायम चावल दाल बनाती है ताकि वो खाए, बच्चा क्या करता है पहले खाता ही नहीं उसको एक मिनट इसको चिपक गए तो आवाज नहीं आएगा, डर है ना। तो वो क्या करते है, उसको दे दो बच्चे को ऐसा कर देगा वो, तो भगवान बोलते हैं अरे ईमानदारी से तुझे बोला कुछ नहीं करना है, मेरा नाम लेना है और तुझे निकल जाना है। नहीं नाम नहीं लूंगा, हम तप करेंगे। तो भैया ढंग से बोला है नाम ले लो, मैं कल पद्म पुराण पढ़ रहा था 50 बार लिखा है नाम संकीर्तनम देवी, वो पार्वती को दे रहे हैं, पार्वती पूछ रहे हैं प्रभु बताइए, शिव जी कह रहे हाँ कह रहे वो सब छोड़ो तदिया नाम समर्चनम। वो अगर उनको प्रसन्न समझो नहीं भी होना है, भक्तों को थोड़ा भी कर दिया ना तो भक्ति बता रहे मेरे भक्तों की सेवा किसने की, भक्तों की सेवा करने का काम किसका है। देखो भक्तों ने सब किसके ऊपर छोड़ दिया है, तो वो किसका हुआ कर्तव्य ड्यूटी, और उसमें आपने जाके मदद कर दिया तो भगवान देखते रहे मेरा काम, समझ रहे हैं ना, तो ध्यान देगा ही देगा। इसलिए जब आप कृष्ण बोलते हो तो भगवान देखते हैं खुश हो, जब राधे बोलते तो भगवान अरे इधर बोल और बोल राधे राधे। इसलिए कभी सीताराम लक्ष्मी नारायण ऐसा रहता है, तो भगवान जो है ना वो बहुत खुश होते हैं। आपको यहाँ भगवान के व्यक्ति विशेष का समझना होगा। हाँ तो आसान प्रोसेस को डिफिकल्ट कर देते भक्त अभक्त, लेकिन जितना ये आसान है उसमें भी ऐसा नहीं कि हमको उसको चीपली लेना चाहिए। इसलिए शास्त्र में कहा गया, देखिए उसमें परपोर्ट में होगा, वन भक्ति रसामृत सिंधु का श्लोक है, पहले अध्याय का दूसरे का 101 हुआ, कहाँ पे है दूसरी नंबर, श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्रि की विधि बिना एकांत की हरि भक्ति उत्पाता कल्पते। कि अगर आप शास्त्रों को छोड़ दोगे, श्रुति स्मृति और पुराणों के प्रमाण के हिसाब से नहीं करोगे और अपनी मनमानी करोगे भक्ति के नाम पे, तो आपको वो रिजल्ट नहीं आएगा। इसलिए फर्क हमेशा समझना चाहिए। जैसे कभी कभी घास आता है और घास के साथ साथ वो आते हैं डिस्टर्बेंस ने क्लास डिस्टर्बेंस वो आता है, तो उसे क्या होता है
हमको लगता है वो भी क्या है, धान है। तो आपने भक्ति रसामृत सिंध में पढ़ा होगा, उसको भी निकाल देना चाहिए अनर्थों को, ठीक है। इनफैक्ट वो डिस्टर्बेंस इन सोसाइटी है। जो लोग विधि विधानों का पालन करके भक्ति का भी एक मार्ग है, ऐसा नहीं कि आप मतलब कुछ भी कर दीजिएगा भक्ति हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। वो हाईएस्ट लेवल पे पहुंचने के बाद, प्रेम स्तर पे पहुंचने के बाद, तो फिर मतलब भगवान बोलते भी हैं कि मतलब मैं उसका हो जाता हूँ, लेकिन वो अलग चीज है। ये लेवल पे हम साधना करना चाहिए। तो यहाँ पे कहा गया है, प्रभुपद समझाते हैं, इवन योगीज डेमिगॉड्स आर कंफ्यूज्ड। भगवान को जानने में योगी योगी जन भी और देवता भी। हाँ, वो तो श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के पहले अध्याय के पहले श्लोक में आता है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय जन्मादि यतोन्वयादितरतश्चार्थेषु अभिज्ञस्वराट् तेन ब्रह्महृदयादि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। ये देवताओं को भी, जैसे मृगजाल होता है ना, देवताओं को भी भगवान के बारे में ज्यादा नहीं मालूम। ये गीता में भी आता है एक जगह, कहाँ पे आता है, कहाँ आता है गीता में भी यही बात, दसवें अध्याय के दूसरे श्लोक में, न मे विदो सुरगणा प्रभवम न महर्षयः अहम आदिर ही देवानाम महर्षिणाम च सर्वशः। पढ़ो पढ़ो जल्दी करो, दसवें अध्याय का दूसरा श्लोक। ना तो देवतागण मेरी उत्पत्ति ऐश्वर्य को जानते हैं, ना ही महर्षिगण को, ना महर्षिगण ही जानते हैं, क्योंकि मैं सही प्रकार के देवताओं और महर्षियों का भी कारण स्वरूप उद्गम हूँ। मुझे कोई नहीं जानता मैं तो फिर उसके बाद और एक श्लोक आता है, सातवें अध्याय का 26 में आएगा इसी में, माम तू वेदन कश्चना वेदा हम समतितानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्यानि च भूतानि माम तू वेदन कश्चना, कोई नहीं जानता। फिर इसी के 19वें श्लोक में आएगा कि ऐसा महात्मा दुर्लभ है जो ये चीज समझ जाए, वो क्या है, दुर्लभ है। बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। यानी भगवान को जानना ही कितना दुर्लभ है, आप समझ रहे हो। उनको एक बार जान लिया और प्यार में गिर गए, फिर तो सब आसान कर देते हो। ये तो ऐसे हुआ ना कि देखिए, जैसे प्राइम मिनिस्टर तक पहुंचना मुश्किल है, लेकिन आपने कोई बहुत इंपॉर्टेंट रिसर्च बना के रखा है, समहाउ आप प्राइम मिनिस्टर को एक मिनट उनका ले लिए कहीं से, बोले ठीक है बोलो, बोले सर हम ऐसे चुटकी बजाते ही 50 करोड़ बना देते हैं। अच्छा दिखाओ कैसे, ऐसे टुक हो गए, देखो बोलते इसको रखो तो इमीडिएट आपका काम चालू हो जाएगा। लेकिन आप नहीं कर पाओगे, मतलब आप उधर तो पहुंच ही नहीं पाओगे, उसके लिए इतना झोलमाल करना पड़ता है। तो जैसे आप तिरुपति पहाड़ चढ़े हो, आप लोग कितने लोग गए, मैं 5-6 बार गया, लेकिन चढ़ के जाता हूँ, मैं कभी कार व्हीकल से नहीं जाता, कभी भी जाना चाहिए। एक्चुअली हमारा पाँव भी लगना अच्छा नहीं है, रामानुचार्य घुड़ने में जाते थे, लेकिन अब चलो ठीक है, उन्होंने परमिशन दे दिया तो हम लोग चढ़ के तो जा सकते हैं। बोलो गोविंदा हरि गोविंदा वेंकट रमणा गोविंदा गोविंदा हरि गोविंदा वेंकट रमणा गोविंदा पद्मनाभ गोविंदा संकट मोचन गोविंदा पद्मनाभ गोविंदा संकट मोचन गोविंदा गोविंदा हरि गोविंदा वेंकट रमणा गोविंदा गोविंदा हरि गोविंदा वेंकट रमणा गोविंदा श्रीनिवास गोविंदा पद्मनाभ गोविंदा श्रीनिवास गोविंदा पद्मनाभ गोविंदा गोविंदा हरि गोविंदा गोविंदा हरि गोविंदा गोविंदा हरि गोविंदा गोविंदा हरि गोविंदा। तो जब पहाड़ चढ़ते हैं तो सूरत में कितना तकलीफ होता है, एक तो ऐसा है पहला 2000 सीढ़ी, फिर थोड़ा रिलैक्स है, फिर चढ़ना है, ऐसा लगता है, और बीच से ना इधर से गाड़ियां जाती हुई दिखती है ऐसी, ऐसा लगता है अरे क्या यार, ऐसा लगता है इसको थोड़ा चढ़ के ना उधर से हाथ दिखा के चले जाओ। फिर नहीं, अब इतना चढ़ गए हैं तो चढ़ ही लेते हैं, यानी एक बार आप वहां चले गए तो फिर लाइन है पहाड़ी पर लेवल पे आके, हाँ फिर लाइन आ जाता है 4-5 घंटे का, फिर लाइन में बैठो, बैठा के पिलाते तो रहते दूध दूध, लेकिन कब दर्शन होगा, तब लालायती लालायती क्या होता है, बैठने को तो मिल गया अभी, लेकिन बैठा के रखते हो, गेट बंद करके रखते है, आसो ये कोई हम ऐसा सोए आयो एंगड़प्पा ए हा, समझता नहीं करना क्या, हम लोग तो ऐसी लैंग्वेज भी नहीं समझते कुछ नहीं, बैठे रहो
आ जाओ खोलता है तो सब मारते हैं, गोविंदा गोविंदा घुसता घुसता है, लेकिन सब वो सिर्फ एक क्षण के लिए रुके रहते हैं। कहाँ पे? तो अंदर जाते ना ऐसा, और ऐसे देखते तब कोई इधर उधर नहीं करता, इधर धक्का बुक कितना मार दू मार दू, दर्शन नहीं चढ़ने वाला हूं। कोई बोला ना इको पट्टा ओके ओटे पोटे, हाँ वो पुलिस पकड़ते इधर सौ में बात से हो गए, लेकिन देखेंगे छोड़ेंगे नहीं, इतना टाइम लाइन है खड़ा रखा था। वो होने के बाद एक बार दर्शन हो गया, फिर क्या होता है, फिर देखना ऐसे गर्दी दिखता ही नहीं, अब बाहर बैठे हो कुछ लाइन नहीं कुछ नहीं, कोई धक्का बुक्की नहीं, आराम से आइयो लड्डो 25 रुपए और एक लड्डो, लड्डू लेने का खाने का आराम से सांभर राइस, सब रिलैक्स हो जाते हैं। तो एक बार भगवान का दर्शन हो गया ना, भगवान को आपने समझ लिया कि यही मेरे प्रभु है, ये व्यक्ति है, ये क्या है, व्यक्ति है, व्यक्ति है। एक बार क्या हुआ था पता नहीं, सातवां दिन में कितने दिन लग जाएंगे आज जान दो, घुसते अंदर में एक बार, ये तो बताया था स्टोरी मैंने लेकिन फिर भी बताता हूँ। एक बार एक भक्त था, वो माँ काली का भक्त था, देवी का भक्त था, तो माँ काली भद्रकाली वो पूरा करता था, सब अर्पण अर्पण सब करता था वो, हम काली देवी नमो सब सब करता था। उसकी मम्मी पता नहीं कहाँ हरे कृष्ण में चलेगी क्या चलेगी कहीं पे, तो लेके आएगी कृष्ण को बांसुरी खड़ा सिंगल मेला, एक सिंगल वाला थे ना ऐसे, तो ले आई, बोले इनका भी पूजा करूंगी मैं आज से। तो ना मम्मी को बोला ये यहाँ रखना जरूरी है क्या इसको, बोले मेरे काली का पर्सनल अल्टर है। अरे तो घर में जगह नहीं है इनको यहाँ रखो, क्या प्रॉब्लम है, तुम फूल तुम तुम्हारा करना, उनको कुछ मत देना, मैं अपना करूंगी अलग से। तो क्या बोले वो, उसने क्या किया, जब काली को भोग लगाता था ना तो भगवान के नाक में ना दो रुई डाल दिया, कान में रुई डाल दिया, हाथ ऐसा था ना तो बांध दिया, अब पांव दोनों बांध दिया, इधर काली का मंत्र बोलने लगा भोग का। तो भगवान प्रकट हो गए, नाचने लगे, ओह उसको गले लगाए, बोलते अरे मैं इतने साल से इसकी सेवा कर रहा हूं, काली के तो दर्शन नहीं दी, तू क्यों दे रहा है, तेरा तो मैंने कुछ नहीं किया। बोलते अरे तू नहीं जानता तू कौन है, बोले मैं कौन हूं, बोले लाखों लाखों दार्शनिक अनेक अनेक साल तपस्या करने पर भी ये नहीं जान पाते कि मैं व्यक्ति हूं, वो मुझे अव्यक्त ही समझते हैं। बोले तू मुझे व्यक्ति समझता है, कहीं मैं तेरे काली का खाना ना सूंघ लूं, उसने नाक में रुई डाल दिया, तू कहीं मैं तेरा भक्त मंत्र ना सुन लूं, तो कान में रुई डाल दिया, तूने मेरा हाथ बांध दिया ताकि मैं वो भोग ना ले पाऊं, यानी तू जानता है मैं व्यक्ति हूं। बोले हाँ मैं जानता हूं। भगवान को कोई ये बोल देना कि मैं जानता हूं तू व्यक्ति हो, अरे बस बस तू ये इसको कब वैकुंठ लाना है, इसको उठा के ले गया, तू छोड़ो निष्काम फिष्काम, तू टेंशन मत ले, सर धर्म परित्यज्य, तू वैसे भी धर्म की धर पालन करता है, कलयुग का चट्टू चल निकल, आधा लाइन तो तू पहले ही पालन करता है सर धर्म परित्यज्य, जो तेरा वीत धर्म था वो भी तू नहीं कर रहा है। लेकिन माँ बेगम शरण व्रज, प्रभुपाद ने क्या किया, ये जो वेस्टर्नर थे इतने बड़े भक्त क्यों बन गए प्रभुपाद की कृपा से, क्योंकि वो आधा लाइन तो पहली सब सन्यासी थे वो इतने बड़े सन्यासी थे ये हिप्पी लोग, उन्होंने कपड़ों तक का त्याग कर दिया था। हाँ वो कहते हैं कि वो बोलते अरे कपड़ा खोलने से मुक्ति का फीलिंग आता, प्रभुपाद बोले अरे देखो तुम्हें ये ज्ञान है कि कपड़ा खोलने पर मुक्ति का फीलिंग आता है, तो सोचो जब ये शरीर रूपी कपड़ा खुल जाएगा तो कितना आनंद आएगा। प्रभुपाद भी अलग ही थे एक लेवल उसको उससे भी आगे लेके जाते थे। प्रभुपाद बोलते थे वी ड्रिंक LSD लीकर, बोले मेरा ली और हाई घूमेगा, हाँ बोलते तो मेरा गांजा एकदम हाई लेके जाता है, बोलते अरे ये किक कुछ नहीं, ये स्टे हाई फॉर एवर, प्रभुपाद ने लेक्चर दे दिया कि हमेशा के लिए ऊपर रहो, ऐसा ऐसा चीज दूंगा हमेशा के लिए ऊपर। और वो क्या है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर पद्म पुराण में आता है, जो भक्ति रसामृत सिंधु में भी आता है, 1.2.234 में क्या आता है, अतः श्री कृष्ण नामाधीन भवेत ग्राह्यम इंद्रियै सेवो लोके जुवादो स्वयमेव स्फुरत्यदः। अतः श्री कृष्ण नाम आदि, भगवान कृष्ण के नामों को अगर आप अपने मुखों से लेगो तो क्या होगा, आपके अंदर से ही जो भगवान के प्रति भक्ति है प्रेम है सेवा भाव वो जाग जाएगा। तो यहां पे जो शब्द है अंदर में सिद्धय, इसका मतलब है सम एंडेवर टू सी आत्मा इन परमात्मा, और तत्वतः का मतलब है कृष्णा हु टेक्स, हाँ मतलब आप मुझे तत्वतः जान जाओगे,
जो मुझे तत्वतः जानते हैं बहुत कम लोग होते हैं, इनकी बात हो रही है। तो भक्त हैं जो तत्व से जानते हैं, तत्वतः मतलब मेरे को नंदन नंदन कृष्ण के रूप में जान लेंगे। मुझे ऐश्वर्य रूप में भी बहुत लोग जानते हैं, नारायण परा सर्वे, नारायण के रूप में सब जानते हैं, या शक्ति के रूप में या मेंटेनर के रूप में, पर मैं तो इधर से गोपियों के मटकी को फोड़ दे, मैं वो मैं आनंद लेने वालों में से हूँ। जो नंदनंदन कृष्ण है वो कभी किसी की हत्या नहीं करते, हत्या करते वासुदेव कृष्ण, इसलिए वासुदेव सर्वमिति वो अलग, तत्वतः मैं अलग। लोग यही तो नहीं समझ पाते ये है कौन। इंद्र बोला रे कौन वो लड़का है? बोलता है मेरे को यज्ञ नहीं करने का, कौन ए संवर्तक। संवर्तक कब आता है? प्रलय होता है, प्रलय के समय, वे ऑन बिफोर ड्यूटी बुला लिया उसको ओवर टाइम करवाया बिना पगार का वो गया धड़ गिरा। ऐसा कहते हैं जब संवर्तक बादल की बूंद गिरते ना उनके, तो इतने मोटे रहते कि मतलब गिर के मर जाए, मतलब आपको लग भी गया तो मर जाओगे, इतने जोर से गिरते हैं। वो गिरा है तो भगवान ने तो उठा लिया पर्वत। अब उठाए तो ऐसे नहीं बलराम जी थोड़ा धक्का मारो, ऐसा कुछ नहीं। अरे पूरा दुनिया को धारण कर दिया, ये क्या चीज है? अब लोग समझ नहीं पाए, गोपी गोपियां, लेकिन वो लोग प्रेम में बोल रहे थे, वो भगवान को प्रेम करते थे, वो प्रेम में बोलते थे नहीं नहीं वो क्या है ना, वो लाठी लगाना होगा थोड़ा हम लोगों को लॉजिक के बाहर कैसे उठा लिया। लोग प्रेम इतना करते थे, वो जानते थे ये तो ऐसे करते ही रहता है। यशोदा बोलती थी हाँ हमको पहले गर्ग मुनि बोले थे कि नारायण जैसे गुण है इसमें, मतलब नारायण की बड़ी कृपा है इसके ऊपर। तो तेरे मम्मी तू तो समझ भाई कौन हूँ उठा लिया। गोपिया कह रही अरे ये क्या है, इसमें दम है रे, वो तो हमारी राधिका अभी तक कटाक्ष दे रही है और ये कटाक्ष ताकत ले रहा है तब हो रहा है, जो ये कटाक्ष हटा लेगी खट करके गिर जाएगा। भगवान बोलते ले लो भाई तुम भी मजे ले लो, इतना बड़ा बड़ा बाग गिराया। लास्ट में इंद्र को लगा कुछ नहीं हो रहा है, तो उसने अपना वज्र निकाला, और वज्र तो बहुत पावरफुल होता है, थंडर बोल्ट मतलब ये जो हम छोटे से डर जाते हैं वो क्या होगा, वो गिराया। ऐसे कहते हैं कि एक्चुअली गोवर्धन को नहीं लगा, वो वज्र को लगा गिरने पर, जैसे अगर मैं अपना सर इसमें फोड़ू तो इसको नहीं लगेगा मुझे लगेगा, वैसे गोवर्धन को नहीं लगा, वज्र को जोर से लगा। तो समझ गया इंद्र की कुछ तो गड़बड़ है, तो जाते हैं अपने गुरुजी के पास, बृहस्पति के पास, बोले प्रभु, बोले सुन तू पहले भी मेरा अपराध कर चुका है और इस बार तू डायरेक्ट भगवान का ही कर रहा था, तू ही गया था ना पुरुष सूक्त गाने क्षीर सागर के पास, ईर्षा पुरुष सुबह 6 बजे गाता था ऑनलाइन गेट कोर्स में, तू ही गाता था ना, तो भगवान विष्णु बोले ना मैं आ रहा हूं, तो जब आए तो अब तू क्या कर रहा है? बोले प्रभु मेरा गड़बड़ बोला, मैं नहीं जाने वाला भाई, ये जा तू ऊपर जा ब्रह्मा जी के पास, अब सबसे बड़े तो ब्रह्मा जी है मतलब मैनेजमेंट में, ब्रह्मा जी बोले ब्रह्मा बोले देख थोड़ी देर पहले मैं भी गड़बड़ करके आया था मेरे को पूछ के क्यों नहीं किया ये सब बोले आपने क्या किया? अरे मैंने, मेरे को लगा छोटा बच्चा क्या कर रहा फोक करके इसका सब झूठा कार्य कर रहे, तो मैंने उठा लिया इसके सारे बच्चे गोपों को, तो ये एक्सपांड हो गया भैया, और एक्सपांड हो गया मैं जब तक लेके आया उसका 1 साल भी बीत गया, देखा तो सब वही है, फिर मैं मिलने गया तो सब विष्णु हो गए, मैं हाथ जोड़ लिया, बोले प्रभु बोले देख अगली बार मत करना तो मैंने अगली बार का उनका अवतार का अपॉइंटमेंट पहले ले लिया है, सुना है गौरंग महाप्रभु के रूप में आने लगे तब मैं हरिदास ठाकुर के रूप में चैंटिंग चुपचाप चैंटिंग करने वाला हूँ, प्रॉब्लम ही नहीं। तो बोले फिर मैं क्या करूं? बोले आप तू क्या करे जा नीचे, वैसे तो नीचे गए देखा तो ये बात ही नहीं कर रहे भगवान, वो आया प्रभु घुटना गिरी होगा मुकुट निकाल गए प्रभु, इधर मुकुट भगवान इधर देख रहे हैं उसको देख ही नहीं रहे, इसका मतलब भगवान आप जब तक भक्त को लेके नहीं आओगे भगवान नहीं देखते। तो वापिस गया तो ब्रह्मा जी बोले ऐसे नहीं, सुरभि को लेके जा, गाय को लेके जा तो देखेंगे, तो साथ में गाय सुरभि माता को ले गए, तो सुरभि को देखा और सुरभि कैसी हो भैया कौन है इंद्र बोलता है अरे इससे ज्यादा पोपट मत करो जरा तो इंद्र बोलता है तो बोलते ठीक है जाओ कोई टेंशन नहीं।
ये भगवान है। और फिर वो इंद्र वगैरह ने पूरा अभिषेक किया भगवान का, दूध का, शिव जी ने किसी ने मोरपंस दिया, किसी ने बांसुरी दिया, किसी ने कुछ दिया, और ये सब गोप वोप खेलने चले गए थे सब। और यहाँ इनका पूरा अभिषेक हुआ। अभिषेक होने के बाद ये लोग देवता लोग चले गए आरती वरती करके। आरती वरती हो रहा था ना, ऐसा पूरा आरती वरती किया उन्होंने, ओम टिंग 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 4 2 3 7 घंटी बजा बजा के, जैसा नया पुजारी होता है ऐसा करता है टिक टिक टिक, उसको होता नहीं, थोड़ा एडवांस होने पर ऐसा होता है, वो करने लगा। तो फिर थोड़ी देर में ये लोग आए गोप ग्वाल बाल, बोलते हैं कृष्ण, ऐसा कंधे बात रखे, ये क्या आरती वरती का प्लेट इधर बांसुरी, क्या ये दूध दूध गिरा हुआ है, जान देना बे। वो लोग कह रहे चलते ही सब प्रोफेशनल, तो अपन चल खेलते। ये तत्वता है, ये क्या है, ठीक है। हरे कृष्ण। तो आइए सातवें अध्याय के चौथे श्लोक में जाते हैं। भूमि रपो अनलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकारेति यम मे भिन्ना प्रकृतिरष्टगा। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि तथा अहंकार, ये आठ प्रकार के विभक्त मेरी भिन्ना प्रकृतियां। तो यहाँ पे आपको मैं डायग्राम तो नहीं बनाऊंगा, लेकिन हाँ, तो यहाँ पे आठ चीजों का वर्णन किया है। क्या क्या है बोलिए तो। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि तथा अहंकार। ये बहुत सटल साइंस है, मैं इसके ऊपर है ना अभी क्योंकि मैं खड़ा नहीं हूँ, तो जब मैं 13वें अध्याय में जाऊँगा ना तो आपको इन एलिमेंट्स का मतलब, फिर भी एक उदाहरण देता हूँ आपको। जैसे क्या है, अर्थ है, अर्थ थोड़ा स्ट्रांग फॉर्म है, तो ऐसा ईथर है ना, ईथर यानी स्पेस होता है, क्या होता है स्पेस। तो आप ऐसे करिए, स्पेस के एक कोने में एक एलिमेंट रख दीजिए अर्थ का, एक इधर रख दीजिए, एक इधर रख दीजिए। अब ये स्पेस जितना कम होगा उतना ये एलिमेंट गाढ़ा होते जाएगा, नजदीक आते रहेगा ना बॉन्डिंग। तो वैसा है, तो ईथर से आता है वायु, वायु से अग्नि, जल और फिर अर्थ पृथ्वी। तो ये बॉन्डिंग स्ट्रांग होते जाते हैं, इसलिए आप देखो ये शरीर इतना बड़ा है अभी बराबर, अगर ये गिर गया, अगर ये मर गया, उसको जला दिया गया, तो असली में फिर अर्थ कितना निकलता है, बाकी क्या था, ये पांचों का अंदर में जगह था, ठीक है। वो अभी वो हम सब्जेक्ट मैटर अभी खड़ा नहीं होने, तो डायग्राम्स बना दूंगा मैं साइंटिफिक वे से, 13th में पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे ये शक्तियां किसकी है, भगवान की शक्ति। क्या शब्द से पता चलता है, मे मतलब मेरी, मेरी कौन सा धातु, अहम मावाम वयम अस्मद, अस्मद असद में आएगा, अहम आवाम वयम अस्मद मम, वही ना उसी में आएगा मम, मम मतलब मे, मेरा मे मतलब कौन सा विभक्ति हुआ, नहीं नहीं षष्ठी हो गया मम, मे कौन सा हुआ, मे उसी में जाएगा क्योंकि इसमें मेरा मेरी मम से ही मम का ही था, ठीक है कोई बात नहीं, संस्कृत के टीचर से पूछ लेना। तो यहाँ पे फिर स्थावत स्वत्वत तंत्र में आता है विष्णु स्त्रीणी रूपाणी, वो श्लोक आता है ना अंदर में, विष्णु स्त्रीणी रूपाणी पुरुषाख्यान्यथो विदुः एकम तु महता सृष्टुम द्वितीयं त्वण्डसंस्थितं तृतीयं सर्वभूतस्थं ज्ञानी ज्ञात्वा विमुच्यते। फॉर मटेरियल क्रिएशन लॉर्ड कृष्णस प्लेनरी एक्सपांशन अस्यूम्स थ्री विष्णुज, महाविष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु एंड शिरोदक्षाय विष्णु। तो भगवान क्या करते हैं, इस पूरे प्रकृति में कैसे प्रवेश करते हैं, महाविष्णु के रूप में गर्भोदक्षाय विष्णु और शिरोदक्षाय विष्णु। वेरी गुड। तो यहाँ पे कहा गया है कि एक मिसकंसेप्शन है लोगों का कि जीव जो है ना वो कंट्रोलर है, क्या है, सभी चीज को नियंत्रण करता है, एंजॉयर है एंड कॉज, पुरुष ऑफ मटेरियल एनर्जी। हम जब ऐसा देखते हैं तो हमको क्या लगता है कभी कभी कि मैं इच्छा कर रहा हूं तभी हाथ हिल रहा है ना, या मैंने सोचा यहाँ पेंटिंग करना है तो पेंटिंग हुआ, भगवान ने आके तो नहीं किया, तो इच्छा किसकी चली,
मेरी, तो मैं क्या सोचने में बाध्य हो जाऊंगा ये सारा किसकी वजह से हो रहा है? लेकिन असलियत क्या है? असलियत क्या है? असलियत क्या है? भगवान ने सैंक्शन किया। हाँ, ये भगवान की सैंक्शन से हो रहा है। ऐसे तो बहुत लोग बहुत कुछ चाहते, तो सब क्यों नहीं होता? सैंक्शन नहीं। और यहाँ ये श्लोक से क्या आप कैसे रिफ्यूट करोगे? अरे वो प्रकृति तेरी है ही नहीं, वो किसकी है? भगवान की। तो तेरी है ही नहीं, ठीक है? तो आगे प्रभुपाद जी तात्पर्य समझाते हैं, जो ब्रह्म ज्योति है वो स्पिरिचुअल स्काई है और वो अव्यक्त है और उसमें कोई डाइवर्सिटी नहीं है, यानी वैरायटी नहीं है वैकुंठ की तरह। और परमात्मा जो है वो टेम्पररी और ऑल परवेजिव एस्पेक्ट है शिरोदक्षाय विष्णु, यानी वो सब जगह विराजमान है तब तक जब तक आप इधर हो, और नॉट इटर्नल इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड। परमात्मा का जो फॉर्म है वो शाश्वत वैकुंठ में वो फॉर्म नहीं है, वो इधर ही सिर्फ हमारे साथ है। और कृष्ण जो है वो परम पुरुष है और कंप्लीट पर्सनल फॉर्म है और कंप्लीट एनर्जेटिक है, यानी उन्हीं से सब कुछ आता है। ही पोजेसेस सेपरेटेड एंड इंटरनल एनर्जीज दोनों, यानी बाह्य बहिरंगा शक्ति और अंतरंगा शक्ति दोनों को वही पोजेस करते हैं। तो अभी यहां पे आप जो आठ धातु हैं, तो ये आठ धातु को हम लोग 24 एलिमेंट्स में भी स्टडी करते हैं। तो ऐसे कहा गया है, वो तात्पर्य में प्रभा जी ने लिखा है, आप एक बार पढ़ोगे तो इमीडिएट लिंक नहीं आएगा, लेकिन आप एक ऐसा डायग्राम बना सकते हो। ये देखिए, ये ऐसा दिख रहा है उसमें डायग्राम दिख रहा है? मैं एक मिनट के लिए होल्ड करता हूँ। आपको ईगो दिख रहा है, इंटेलिजेंस दिख रहा है, माइंड दिख रहा है, और 20 अलग अलग वो दिख रहे हैं, ऑर्गन्स, सेंस ऑब्जेक्ट्स। ये फोटो खींच सकते लो? फोटो खींच लो, खींच मेरी फोटो। चलो हो गया, मेरा हाथ दुख रहा है तो अगर आपने खींच लिया तो वेरी गुड। तो ये 24 एलिमेंट्स जो है, आप लोग भी खींच ले रहे? तो इसमें सबसे ऊपर है अहंकार, क्या है? सबसे सूक्ष्म क्या है? अहंकार। और अहंकार का जो और बुद्धि जो है ये महत्तत्व है। ये क्या है? महत्तत्व अगले पन्ने में आने वाला है। चलिए, नहीं वो मैंने अलग नोट्स में लिखा था। तो बुद्धि क्या है? महत्तत्व। और मन जो है, ये मन मतलब जो इफेक्ट है अहंकार का, जो इफेक्ट है वो ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय और मन में होता है, 11 चीजों में प्रबल तात्पर्य में दिया है। तो मन से ज्ञानेंद्रिय क्या क्या है? ज्ञान अर्जित करने वाले ज्ञानेंद्रिय, यानी आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, ठीक है। और इंद्रिय विषय और कर्मेंद्रिय क्या क्या है? दो हाथ, वॉइस, वॉइस, लेग्स, हैंड्स, एनस एंड जेनिटल्स, ठीक है। और वो लिखा है तात्पर्य में लिखा है ना। और फिर मन के, मन जो है वो इन पांच ऑब्जेक्ट्स यानी सेंस ऑब्जेक्ट्स पे, इंद्रिय विषयों पे ध्यान देता है। कौन से विषय? शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। तो अब देखो, गंध किससे जाएगा? नाक से। तो इन लोग का इधर भी कनेक्शन है, ठीक है। और ये जो है ना पांच धातु, पांच जो बनते हैं वो इन्हीं से बनते हैं, इन्हीं इंद्रिय विषय से, इंद्रियों का एलिमेंट से उनका फॉर्मेशन है। वो क्या है? अर्थ, वाटर, फायर, एयर और ईथर। गंध का पृथ्वी से, रस का जल से, रूप का अग्नि से, स्पर्श का वायु से और शब्द का ईथर, खम्भ, आकाश, जिसको आप केस में आकाश लिखोगे हिंदी में, ठीक है। तो ये आप इस तरह से टोटल एलिमेंट कितने हो गए? 10, अहंकार, बुद्धि, मन, तीन, और ये पांच ज्ञानेंद्रिय, पांच कर्मेंद्रिय, पांच विषय और पांच धातु, कितने हो गए? 13, 24, 5, 5, 5, 5,
कितना हुआ अभी तक? 23। तो 24वां क्या है? नानक प्रधान। 24वां है प्रधान अव्यक्त। तो इसको मानस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मानस। मन नहीं, मन अलग, मानस। इसको प्रधान कहा जाता है। अनमैनिफेस्टेड स्टेज ऑफ प्रकृति अव्यक्त, इसको अव्यक्त भी कहा जाता है। ठीक है, जो मैंने आपको बताया। तो ये सारे मिला के कितने हो गए? 24। और एक्चुअली कुछ लोग और 4 ऐड करते हैं, कुछ लोग उसको 28 भी कर देते हैं। कैसे? कैसे? तेरा पॉइंट 6 खोलो, 6 या 7 शायद। क्या है मिला? महाभूतान अहंकार। हाँ तो 6 है ना, तो 7वां में क्या क्या लिखा देखो? इच्छा द्वेष सुखम दुखम। हाँ 4 हैं। क्या है? इच्छा द्वेष सुखम सुखम दुखम। ये 4 भी क्या गिने जाते हैं फिर? एलिमेंट है। तो कभी कभी कितना गिनती आता है? 28। कुछ लोग इन 4 को नहीं गिनते, और 4 है काल स्थिति ऐसा ऐसे कुछ 4 है। वो मेरे दूसरे लोडों में लिखा, इसमें लाया नहीं मैंने, मोबाइल में फोटो है शायद उसका। तो वो 4-6 तो मैं आपको रेफर मेरा मोबाइल की तरह देना, जो कॉलिंग वाला। एक मिनट, आपको ढूंढना पड़ेगा। वो किसी तो भागवतम में से है, तो आप लोग को मैं एटलीस्ट वर्स नंबर देता हूँ। कुछ लोग बहुत स्कॉलर होते हैं, उनको बहुत इच्छा रहती है, उन लोगों को बहुत जान ऊपर नीचे हो जाता है नहीं मिलता है तो, और कमेंट में मेरा जान खा जाते हैं लोग। मजाक कर रहा हूँ। भागवतम के 10वें स्कंद के 63 अध्याय के 26वें श्लोक में आया है। तो और 4 गिनते, टाइम, फेट, एक्शन एंड इम्प्रेशंस, ये 4 ऐड हो जाते हैं। ये ऐसे हो जाएंगे 28। कुछ आत्मा और परमात्मा दोनों को जोड़ के कर देते हैं 30। हाँ कुछ उसमें इधर के और 4 ऐड करके कर देते हैं 35। कुछ इन सबको सिर्फ प्रधान समझ के करते हैं 1। तो इसको आप कितना भी कर सकते हो। मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, अपना अपना दिमाग लगाओ, ब्रिटानिया खाओ, खुद जान जाओ। हरे कृष्णा। इसलिए इतना टेंशन नहीं लेने का, कहीं 28 लिखा है, कहीं 24 लिखा है। मोटा मोटी गेम वही है। तो मंत्रिका उपनिषद 15 में कहा गया है, चतुर्विंशति संख्यानाम अव्यक्तम व्यक्तम उच्यते। अव्यक्त इज क्लियरली मेंशन टू बिलोंग टू 24 एलिमेंट्स। तो जो अव्यक्त जो है, जिसको हमने प्रधान की बात की थी, तो उसका प्रमाण है मंत्रिका उपनिषद 15 मंत्र में कहा गया है कि अव्यक्त ये कौन से नंबर का है? 24 नंबर का धातु है। ठीक है, ओके। चलिए 7वें अध्याय का 5वां श्लोक को लिए। तो अभी जो भगवान ने अपनी शक्ति का परिचय दिया, ये कौन सी शक्ति है? अपराशक्ति। ठीक है, यानी भगवान अपनी बहिरंगा शक्ति का प्रमाण दे रहे हैं। अब वो अपने तटस्थ शक्ति के बारे में बताएंगे, जो वैसे परा है परंतु इस अपरा के अंदर फंसी हुई है। हाँ, जैसे मैंने उस दिन कौन सा उदाहरण दिया? वो बाज का, गरुड़ का जो बच्चा है, वो क्या हो गया था? किसके पीछे फंस गया? मुर्गियों के पास। हाँ, ऐसे कुछ आचार्य उसको ऐसा उदाहरण देते कि जैसे वो होता है ना, एक बकरी का बच्चा, और बाघ का बच्चा बकरी के बीच फंस जाता है और करके खाते रहते घास। बाघ बोलते फाड़ है, निकल यहाँ से। तो फिर बाद में उसको दिखता रहे, मैं तो अलग हूँ वैसे। ठीक है, बोलिए। अब परे आपितस्तु अन्यम प्रकृति विधि में पराम जीवभूत महाबाहो यहीदं धारयते जगत। हे महाबाहु अर्जुन, इनके अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति है जो उन जीवों से युक्त है और इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रहे हैं। यानी वो क्या कर रहा है? है तो वो पावरफुल शक्ति, लेकिन इस कचरे के डब्बे में बैठ के वो टाइम पास कर रहे हैं। आप कचरे के डब्बे में हाथ डालिएगा, क्या मिलेगा? कचरा। आपको लगता है, कुछ कुछ लोग लगते हैं ना, आजकल हम बहुत बोर हो गए, लोनली हैं। तो बेसिकली लोनली नहीं है वो जहां भी जा रहे कचरे का ही बात हो रहा है। वो चाहते कोई अच्छा बात हो, तो अच्छा बात तो कहीं हो नहीं रहा है।
और जहाँ अच्छा बात हो रहा है वहाँ खोल के लॉग इन कर नहीं रहे है ना, तो कचरा बात सुन रहे हैं और क्या करेंगे। तो कचरा खाने कौन आता है डस्टबिन के पास? कौआ, मतलब उड़ते उड़ते जो बड़ा डब्बा होगा उसमें कौन आएगा? वो कौन से श्लोक है भागवतम में? एक भागवतम श्लोक है जहाँ कहते हैं कि कौओं का वो स्थान है जहाँ पे प्रजल्प होता है। हाँ। नहीं कर ही चित सली लेना ऐसा कुछ तो भूल गया मैं तो, नहीं नहीं वो भागवतम में आता है या कहीं भी आता है। तो वो कहते हैं कि जो तत्पायसम वायस तीर्थम ऐसा कुछ रटा हुआ था भूल गया। तो वो कहते हैं कि वहां हंस आते हैं जहां बात भगवान की जाती है। तो यहाँ आप लोग क्या है? हंस की तरह है। और बात संसार में लोग किसकी तरह है? तू पागल, तू ये, तू वो सब चलता है। तो बद्ध जो आत्मा इतना शुद्ध होने के बावजूद भी यहां क्या कर रहा है? अपना समय व्यर्थ गवा रहा है और इस प्रकृति के जाल में फंसा हुआ है। और माया जाल इतनी जबरदस्त है ना कि वो आशा, इसका सबसे बड़ा पावर आशा है, बांध के रख देती है आपको। आप फेल भी हो जाओगे ना, पूरे चिंता मत करो, और एक बार ट्राई करो, बस यस यू कैन, बड़ा बिजनेस करो, आप बिजनेस योगा करो जाओ। उसका एक फायदा यह है कि कोई योगा शब्द पकड़ के भक्ति योग ढूंढे उसका फायदा हो, ये तो जरूर हो सकता है। लेकिन आप मोटिवेट करते हो, आप भागो, ये भी भागा था, ये उठा था, ये नहीं जीती थी, वो हारा था, इस आशा में हम जी रहे हैं और बस आशा में केवल समय को ढकल रहे और हमने कुछ प्राप्त नहीं किया। तो यहाँ पे कहा गया है कि अपरयाम, जी बहुत पावरफुल है प्रभु लेकिन यहाँ पे वो फंसा हुआ है, ठीक है। अब वो क्या कह रहे हैं, लेकिन ये जीव का भी कंट्रोलर कौन है? अपरयाम इतस्तु अन्यम प्रकृति विद्धि मेपा, कौन है इसका कंट्रोलर? यानी जीव इंडिपेंडेंट नहीं है ही नहीं, और उसकी गलत धारणा क्या है? धारणा याद है, धारणा सीखा स्टार्टिंग में, उसकी गलत धारणा क्या है? मैं इंडिपेंडेंट हूँ, खेल खत्म, उसमें ही वो पूरा जिंदगी जन्मों जन्मों से काट रहा है, काट रहा है, काट रहा है। बहुनाम जन्म नाम अंत के बाद क्या पता चलता है? मैं इंडिपेंडेंट नहीं। वासुदेव सर्वमिति 10.8 क्या बोलता है? अहम सर्वस्य प्रभवो, मैं ही सबका स्रोत हूं, दोनों आध्यात्मिक और भौतिक। और एक श्लोक है जिसमें भगवान कहते हैं, अरे मैं ही उसका गति हूं, मैं ही प्रभु हूं, मैं ही साक्षी हूं। कितना नंबर है खोलो? गतिर भरता प्रभु साक्षी, खोलो तो खोजो, जल्दी खोजो, पीछे पीछे ऑनलाइन डिवोटीज, भले मैं आपको नहीं देख सकता लेकिन आपकी इस अटेम्प्ट से भगवान की कृपा जरूर मिलेगी आपको। 9.18 क्या लिखा है? साथ में पढ़िए। गतिर भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणं सुरत प्रभव प्रलय स्थानं निदानं बीजम अव्ययम्। अर्थ पढ़िए। मैं ही लक्ष्य पालन करता स्वामी साक्षी धाम शरण स्थली तथा अन्य अत्यंत प्रिय मित्र हूँ। मैं सृष्टि तथा प्रलय सबका आधार आश्रय तथा अविनाशी बीज भी हूँ। भगवान कह रहे मैं ही ठीक है। तो यहाँ पे कहा गया है कि और एक गलत धारणा क्या है कि इंडिपेंडेंट एक धारणा है जो हमको निकालना होगा कि हम इंडिपेंडेंट नहीं है, हम हमेशा भगवान के अधीन है। आप आपको लगता है कि आपको कोई नहीं देख रहा है लेकिन आपको भगवान देख रहे हैं, उनका सिस्टम बनाया हुआ है उसे दिख रहा है, और ऐसे भी देख ही रहे लेकिन उनको इंटरेस्ट नहीं क्योंकि तू बकवास कर रहा है। अब कोई सपना देखता है घर में
रो रहा है हंस रहा है तो उसको मम्मी क्या बोलेगी, क्या लेने ले, बकवास है, सपना देख रहा है, उठेगा चाय मांगेगा नाश्ता मांगेगा, यही ना। तो सपने से कोई फर्क भगवान को गिरता नहीं, आप सपना देखते रहिए तो हंसते रहते बस, आपको देखते रहते हैं ऐसे, तब जागेगा। तो और एक धारणा क्या है कि कुछ लोग सोचते हैं मैं इंडिपेंडेंट तो हूं ही और मैं भगवान के इक्वल हूं, क्या हूं, हम भी भगवान हैं। मायावादी पाषंडी दास जस्ट रॉर है, मायावादी सोचता है कि मैं भी भगवान, जब कृष्ण भी यहां आए थे तो माया में थे, हम भी माया में हैं, उस पुरुषोत्तम गति को प्राप्त करके हम लोग भी वो एक में विलीन हो जाएंगे, उनको ऐसा लगता है। और लीन विन तो होते नहीं, यही उनको 10 रोग हो जाते हैं, मर जाते हैं। बुढ़ापे में जुला आता तो रुका नहीं जाता है, उधर ही खटिया पे लोग कर देते हैं, कहते हैं हम लीन हो गए। वही बुढ़वा जो लीन होने की बात करता है उसको ये शरीर कंट्रोल नहीं होता है, उसकी बहू सोचती है कब इसका गला दबा दो लीन हो जाए। यहाँ बोलते हैं और उसके पास जाओगे तो बहुत पकाएगा, उसको काम वासना वाला सब विषय दिखा दीजिए तो उधर ध्यान चला जाएगा। तो ये ढोंगी लोग होते हैं, ये आंख में तेल वेल लगा के नवरत्न का, इस प्रकार हमें उस ब्रह्म के चिंतन में लीन होना है। अब पता चला आश्रम की अम्माओं के साथ ही ये लफड़ा कर रहा है, अब जेल में। ऐसे लोग फिर क्या करते, जब कहीं वृंदावन में कथा करने जाते हैं ना, वो जो 5000 साल पहले आपके सामने आए थे वो आज आपके सामने कथा कर रहे हैं। ब्रजवासी बोलते हैं, मैं तो ब्रजवासी तो गालियां देने में माहिर हैं, पत्थर टना टन मारना चालू करते हैं। मतलब है ना, ये इतने भ्रम में होते हैं कि उनको लगता है जीव ही भगवान है। बाल पक जाता है, दाढ़ी पक जाता है, यहां बांसुरी लेके मटका फोड़ दे, बोलते हैं मैं उन गोपियों को आनंद नहीं दे पाया इसलिए मैं तुम लोग के लिए आया। ऐसे कार्टून लोग हैं, नहीं ऐसा नहीं, आज भी मिलेंगे तुमको, जाओ ना बाहर। मैं एक बार लेक्चर दे रहा था रांची में, तो एक आदमी मुझे बोला कि प्रभु जी हम 25,000 रुपए डोनेशन देना चाहते हैं। मैं खुश हुआ, मैं बोला ठीक है मैं आपको अकाउंट नंबर दूंगा, आप दीजिएगा हमको, अच्छा होगा प्रीचिंग में, ठीक है। हम तो सर डोनेशन देते रहते हैं बार बार, तो हम बोले लेकिन आप यहाँ पहली बार आए हैं, तो मेरे को लगा अच्छा मैं महाप्रसाद लेके आया उसके लिए, भाई 25,000 डोनेशन देगा। तो ऐसे कोई चिंता नहीं प्रभु जी, क्योंकि देखिए ट्रंप भी जो जीता था हम ही जीतवाए थे। ये तो ये ना है। तो कभी कभी ये ऐसे लोग जो होते ना, जो बोलते आप भी भगवान हो, ये तो एक है समागम है, तो ऐसे जो लोग हैं ना वो दिखने में बड़े विद्वान दिखते हैं, लेकिन बाहर नहीं आ रहे ना, ये ना ही है साइको। तो जानते हैं उस व्यक्ति को, हाँ मेरे को 200 एकड़ जमीन देने के लिए एक आदमी लेके आया, मेरे को कहा प्रभु जी आपको जमीन चाहिए, बोला हाँ मेरे को गुरुकुल की जमीन चाहिए, मैं अभी फोन कर दिया हूँ आ रहे होंगे, आपको कितना चाहिए, बोला देखो मेरे पास पैसा नहीं है, आप दान में 5-6 एकड़ भी दे दोगे तो चलेगा, आपने 200 बोल दिया ना प्रभु जी हम दिलवा रहे हैं। मैं बोला यार कैसा आदमी, मैं खुश हो गया, बोला प्रभु जी बाहर आइए, वो व्यक्ति आ चुके हैं। मैं बाहर आया और वो व्यक्ति भी बाहर आया, वो व्यक्ति बाइक पे आया, जो मिडल मैन नहीं होता ब्रोकर, बोला आप चिंता मत करिए कैसा लैंड चाहिए, 200 एकड़ हम दिलवाएंगे, कैसा रेट होना चाहिए, मैंने कहा नहीं रेट वेट नहीं। तो ये क्या बोलता हूँ मैं उसको, आप चिंता मत करिए, पैसे का बात नहीं करना है प्रभु जी से, पैसा आप हमसे बात करिए, प्रभु जी को कितना जमीन चाहिए। तो इसको देखा ना शर्ट को बटन लगा हुआ है ना पैंट पर चप्पल इसकी क्या है, तो वो समझ गया कि इसको फंसा के बुला लिया था। फिर हमने बोला वो सब छोड़िए आप 100 रुपये डोनेशन दे दीजिए, देंगे तो भाई समझा हमको एड़ा बना रहा है। तो ऐसे ये जो ज्ञानी लोग होते हैं ना ऐसे, वो क्या कहते हैं, वो जो परब्रह्म है, आप ब्रह्म हो, ब्रह्म ही ब्रह्म में लीन हो जाएगा, आप ही ईश्वर हो जाओगे।
अब मिलेगा तो मारूंगा। एक टाइम था कि मेरे को लगता था ऐसा हो भी सकेगा, अपने वो नॉलेज था नहीं। भगवान बचा लेते भैया, नॉर्मल पत्थर तो उठा नहीं सकते लोग गोवर्धन की तरह। मैंने एक आदमी को पूछा, भगवान ने गोवर्धन उठाया? ना ना ना, ये सब रूपात्मक है, मतलब कहीं से भी ना इनको मतलब कबूल नहीं करना है, अपनी धारणा को लेके उसको बचाने में लगे। अरे भाई छोड़ दो धारणा, गलत है तो छोड़ दो, कल अज्ञान है तो बोलो ये मुझे नहीं मालूम था, गलत है, खत्म। उसी को लेकर बैठ के उसी को बचाने के चक्कर में सारे इधर उधर करते रहोगे, मूर्ख है। तो यहां पे कहा गया कि वो ही इज नॉट इक्वली पावरफुल। तो इसलिए श्रीमद् भागवतम में 10वें अध्याय के 10वें स्कंद के 87वें अध्याय 30वें श्लोक में आता है, अपरिमिता ध्रुवस्तुनु ब्रूतो यदि सर्वगता तर्हि न शस्यते नियमो ध्रुव नेतरथः अजनी चयन्मयम् तद विमुच्य नियंत्रु भवेत् सममनुजानताम् यदमतम् मत दृष्टतया। हे परम शाश्वत, यदि सारी देहधारी जीव आप ही की तरह शाश्वत एवं सर्वव्यापी हो तो आपके नियंत्रण में न होते। क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि अगर अगर सभी जीव आप ही की तरह सर्वव्यापी होते तो आपके नियंत्रण में नहीं होते। सिंपल, इसे क्या प्रूव हो गया कि वो इंडिपेंडेंट नहीं है और इक्वल भी नहीं है। इक्वल नहीं है क्योंकि वो सर्वव्यापी है, तुम सर्वव्यापी नहीं हो। तुम्हारा छोटा क्षेत्र है उसका बड़ा क्षेत्र है। तो कह रहे हैं किंतु यदि जीवों की अपेक्षा आपकी जीवों को आप ही सूक्ष्म शक्ति के रूप में मान लिया जाए तब तो वे सभी आपके परम नियंत्रण में आ जाते हैं। अगर सूक्ष्म मान लिया जाए तो आ जाएंगे। अतः वास्तविक मुक्ति तो आपकी शरण में जाना है और इस शरणागति से वे सुखी होंगे, उस स्वरूप में ही वे नियंता बन सकते हैं। अतः अल्पज्ञ पुरुष जो अद्वैतवाद के पक्षधर हैं उसे इस सिद्धांत का प्रचार करते हैं कि भगवान और जीव सभी प्रकार के एक दूसरे के समान हैं, वास्तव में वे प्रदूषित मत द्वारा निर्देशित होते हैं। मतलब उनका मत कैसा है? प्रदूषित है, दूषित है। ठीक। और फिर अब इसलिए इसे क्या बदलता है कि हम भगवान के गुणों में एक जैसे हैं लेकिन शक्ति में छोटे, भगवान बड़े हैं और हम अणु हैं, भगवान विभू, भगवान अग्नि है हम चिंगारी है, भगवान समुद्र है हम एक बूंद है। गुणों में को लगे बूंद बापी समुद्र मिल जाएगा, वो ऐसा लॉजिक नहीं लगाना। बदमाशों की कमी नहीं है, जैसे उस बूंद को बोल दिया ना मारूंगा आगे। अब यहां कहा गया है कि जीव पराशक्ति है और प्रकृति अपरा यानी निम्न शक्ति है। क्यों? जबकि दोनों भगवान के अधीन है, दोनों भगवान की शक्ति है, तो ऐसा भेद क्यों? जीव भगवान से है और प्रकृति, वो भी भगवान से है। मैं बोला ना, मेरे से है, जीव एक्टिव है। जोरदार ताली मारो इसके लिए। ये सब क्यों तेरे को इतना ज्ञान आ रहा है मालूम है? तू पढ़ा था क्या ये अभी अभी पढ़ के आया था? नहीं, कैसे पता मालूम तेरे को? इसके वजह से मजाक कर रहा हूं, वसीम उसको समझेगा। तो जीव क्या है? पराशक्ति। जीव चेतन है और ये प्रकृति अचेतन है। ये तब चेतन होगी जब इसमें महाविष्णु प्रवेश करते हैं और उसमें जीव घुसता है और इन दोनों का काम चालू होता है, तो ये प्रकृति अपना काम चालू कर। बात समझ में आया? तो ये फर्क है। इसलिए तो श्वेता शतर उपनिषद में भी इसकी पुष्टि आती है कि दोनों भगवान की शक्तियां हैं। छठे अध्याय का 16वां श्लोक है श्वेता शतर उपनिषद का, कहा गया है प्रधान क्षेत्रज्ञ पतिर गुणेशः, द लॉर्ड इज मास्टर ऑफ द नोर ऑफ फील्ड जीवा एंड मैटर, ही इज मैटर ऑफ गुणस, इज मास्टर ऑफ गुणस। वो गुणों के भी मालिक है और जीव के भी मालिक है। तो यहाँ पे कहा गया द अनकॉन्शियस मैटर इदम जगत इज एम्प्लॉयड धारयते बाय कॉन्शियस जीवा। यहाँ इस श्लोक में भी कहा गया है, कहा क्या कहा गया है?
इदम धारयते जगत, बराबर। तो इदम जगत को कौन धारण कर रहा है? ये दूसरा वाला शक्ति, बराबर। इसका मतलब क्या प्रूव कर रहा है? ये बड़ा है कि छोटा है? बड़ा। सुन रहा क्या? वेरी गुड। चलो छठा श्लोक खोलो। एतद् योनीनि भूतानि सर्वाणि इति उपधारय अहम् कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। सारे प्राणियों का उद्गम इन दोनों शक्तियों में है। इस जगत में जो कुछ भी भौतिक तथा आध्यात्मिक है उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय मुझे ही जानो। तो तुम्हें जो भी तुम्हें यहाँ दिखाई दे रहा है उसका उत्पत्ति किसको जानो? मुझे ही जानो। तो ये कह रहे हैं of all that is material and all that is spiritual in this world, know for certain that I am the both its origin and dissolution. मही हूँ। तो ये बहुत सिंपल है, मतलब वो कह रहे हैं कि जो भी हो रहा है यहाँ पे अंदर में वो दो ही चीजों से हो रहा है, एक तो प्रकृति से हो रहा है या फिर आत्मा है, ये दो ही एलिमेंट से। तो अल्टीमेटली दोनों का क्रिएटर भी मैं हूँ और दोनों को एनिहिलेशन भी मैं कर देता हूँ। स्पिरिट का एनिहिलेशन कैसे होता है? मरता नहीं ना आत्मा, कहाँ जाता है? भगवान के महाविष्णु के गर्भ में प्रवेश कर जाता है और यहाँ पर सृष्टि जो है वो प्रधान रूप में हो जाती है, फिर वापिस। ठीक है, हरे कृष्ण। तो क्योंकि जीव जो है वो मैटर नहीं क्रिएट कर सकता। जीव क्या क्रिएट नहीं कर सकता? वो सिर्फ उसको आकार दे सकता है, जैसे आप बिल्डिंग बना सकते हो या आप पानी रोक के उसका डैम बना सकते हो, कुछ भी ये सब कर सकते हो, ये एनर्जी को ये एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन आप मैटर क्रिएट नहीं कर सकते। आप पृथ्वी अग्नि वायु आकाश क्रिएट नहीं कर सकते। आप रूप बदल सकते हो, जैसे एक समोसा खाया वो टेस्टी था, फिर कोई अच्छा ऐसा निकला चीज जो तुम्हारे काम का नहीं है, नहीं रूप बदल सकते हो तुम। और उसमें भी हमारा संग लेके देखो ये हाल होता है लोगों का, जो इतना अच्छा गुलाब जामुन था, जो इसको इतना मार्केट वैल्यू था उसका, हम जो हाल कर हम पापियों का ये असंग लेके क्या मिलेगा। तो यहाँ कहते हैं नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम, यानी भगवान एक हैं और बाकी जीव के वो सब मेंटेनर हैं। तो यहाँ कहा गया लिविंग एंटिटी जीव एंड प्रकृति आर इटर्नल, हाउएवर दे अपीयर फ्रॉम लॉर्ड एंड डिसअपीयर इन हिम। इसलिए ठीक है, सातवां खोलिए। मत्ता परतरं नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणैव। ट्रांसलेशन, वो कहते हैं हे धनंजय मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार माती मोती धागे में गुंथे रहते हैं उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। इसका खोल कर, मुझ पर ही सारा आश्रित है। तो ये कह रहे हैं कि आप लोगों ने मणि देखा है, जैसे एक कंठी है, देखो एक कंठी कैसे सारी मणियां एक साथ हैं, लेकिन इसको नहीं दिखने वाला चीज क्या है? धागा है ना, ये नहीं दिखता है लेकिन उसी के वजह से सब है। तो प्रकृति में भी सब कुछ किसके वजह से है? भगवान की। संसार में जो भी दिख रहा है भगवान की वजह से, दोनों भी ठीक है। एक्चुअली आने वाला आगे जब परमात्मा का बात आएगा ना तो उसमें आता है, उपनिषद में आता है, लेकिन वो हम पढ़ेंगे नहीं, कि बोले दिशा को खुद पता नहीं कि उसका दिशा कैसे है, वो भगवान की वजह से। सूर्य का शरीर कैसा है क्या वो खुद नहीं जानता, और सूर्यदेव को भी, जो सूर्यदेव है वो परमात्मा को नहीं जानते, सूर्यनारायण को, लेकिन वो है, वो उसको चलाते हैं। वैसे हमारा जो अंदर आत्मा है परमात्मा है वो इस शरीर को ऑपरेट करते हैं एक्चुअली। हम क्या सोचते हैं? हम ऑपरेट कर रहे हैं। मैं खांसना चाहता हूं तो जो खांसने का मेरा जो काम है वो मैं कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं? ये प्रकृति तो भगवान के अंडर है। तो खांसने का जो इरिटेशन है वो बॉडीली बायोलॉजिकल है, वो प्रकृति के साइकिल में है, वो सैंक्शन में वो आ रहा है ऐसे। दूसरे क्षण में अगर प्राण नहीं रहेगा तो वो खांसना होते इची रहते हुए भी खांसना वो इफेक्ट किस पे डालेगा? समझे, ऐसा वाला बात है, ये बहुत डीप सब्जेक्ट मैटर है। ठीक है, तो कह रहे हैं यहाँ प्रभुपाद वापिस ईश्वर परम कृष्ण कोट करते हैं। मुझे लगता है प्रभुपाद ऑलमोस्ट हर चौथे पांचवें श्लोक में वो ब्रह्म संहिता का ईश्वर परम कृष्ण डाल ही दिए। तो यहाँ पे
जो अव्यक्तवादी है, ये लोग एक आर्गुमेंट करते हैं, क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि श्वेताश्वतर उपनिषद में 3.10 में, आप लोगों के बुक में भी लिखा है देखो, यतो यद उत्तरतरम तद अरूपम अनामयम य एतद विदुर अमृतस्ते भवन्ति एते एथे तरे दुखम एवाप्यन्ति। वो कह रहे हैं हायर देन दिस देर इज दैट विच इज विच हैज नो फॉर्म। वो कह रहे हैं, मतलब ये कंटेक्स्ट में आता है कि जीव से बड़े सबसे बड़े ब्रह्मा है, और कैसे ब्रह्मा से बड़े वो है जिसको अरूपम है, जिसका रूप नहीं है, विच इज फ्री फ्रॉम डिफेक्ट, वो सारे दोषों से मुक्त है। दोज हु नो दिस बिकम इमॉर्टल वेर इज अदर्स सफर। जो ये जानते हैं वो सुखी हो जाते हैं, जो नहीं जानते वो हमेशा इधर रह के दुखी रहते हैं। तो उनका कहना है कि वो अरूपम है, वो क्या है, अरूपम मतलब जो अव्यक्त है और अरूप है, जो शाश्वत है, जहां जिसकी बात भगवान कर रहे हैं मत्ता परतरम नान्य। तो कह रहे मत्ता मतलब मैं, तो क्लियर है वो वर्ड उससे है ना कि मैं हो व्यक्ति है, तत्ते तानी आ जाता ना, तत्ते तानी तेने ताभ्याम तई ही आ गया, अहम में आ गया है, तो वो व्यक्ति विशेष में आ गया है। लेकिन ये क्या कहते हैं ना, अरूपम है वो कैसा है, अरूपम है। अब ये कौन सा कोट मारते हैं ये लोग, श्वेताश्वतर उपनिषद 3.10। अब हमारे आचार्य जो है, नहीं 3.10 मारते ना, लेकिन आचार्य बोलते हैं बेटा तू ऐसे बोल ही नहीं सकता, क्योंकि 3.8 में क्या लिखा है सुन। वो कहते हैं श्वेताश्वतर उपनिषद 3.8, वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमस परस्तात् एव विद्वान अमृतमिह भवति नान्यः पंता विद्यते अनाय। आई नो, आगे भी है, आगे दो लाइन, रुक रुक मैंने ना उसको ऐसा, हाँ, यस्मात् परम ना परम अस्ति किंचित् यस्मात् नानीयो नज्योऽस्ति किंचित् तो कहता है उसमें कहा गया है कि आई नो दैट ग्रेट पुरुषा विद शाइनिंग कॉम्प्लेक्शन सुपीरियर टू डार्कनेस। मैं उनको जानता हूं जो शाइनिंग कॉम्प्लेक्शन है और डार्कनेस के परे है। नोइंग हिम वन सरपासेस डेथ, उनको समझने के बाद आदमी इसको पार कर जाएगा। एंड देर इज नो अदर पाथ फॉर लिबरेशन, उसके अलावा कोई मार्ग नहीं है। तो अरूपम का बात आया क्या यहां, रूप की पुरुषम क्या बात है, देखो क्लियरली कहा है वेदाहम एतम पुरुषम पुरुषम महांतम, और वर्णम भी दिया गया, क्या दिया गया है, आदित्य वर्णम। फिर आ गया था यस्मात् परम ना अपरम, देयर इज नथिंग सुपीरियर नथिंग इंफीरियर नथिंग स्मॉलर नथिंग ग्रेटर देन द लॉर्ड, और इसलिए उनको उत्तरतरम कहा गया है। बात समझ में आया, फिर दसवा आएगा श्लोक। तो ये जो मायावादी है अव्यक्तवादी ऐसा कोट मिसकोट कर देते हैं, अव्यक्तवादी है ना वो खुद ही के जाल में पूरा फंस चुके हैं, वो एक अव्यक्त करते हैं और सबको अव्यक्त करने के चक्कर में सब व्यक्त को भी अव्यक्त करने में तुले रहते हैं। इसलिए उनको ना कहते नहीं हम पुराण नहीं मानते, अरे पुराण शिव जी ने कहा है, कैसे हम नहीं मानोगे, पंचम वेद माना गया है तुम मानोगे नहीं कैसे। व्यासदेव थोड़ी वो ऐसा है कि इधर कुछ और लिख दिया इधर कुछ और लिख दिया ऐसा है, तो फिर व्यासदेव की अथॉरिटी खत्म, तो ब्रह्म सूत्र भी मत बोलो, कॉमन सेंस ही फंस जाते हैं। तो ऐसा रहता है। एक बार भगजान ठाकुर ने कहा था कि डिबेट है, कुछ कुछ थे अव्यक्तवादी, उन्होंने कहा कि आप ये जो बोल रहे हैं कि भगवान पुरुष है तो हमको डिबेट करना है, बोले आओ, बोले लेकिन हम पुराणों से बात नहीं करेंगे, हम लोग केवल वेदांत सूत्र से बात करेंगे, ठीक है वेदांत सूत्र से प्रूव कर दूंगा भगवान व्यक्ति है। तो बोले हाँ थोड़े हमारे गुरु जी बीमार है बाद में आएंगे, तो ऐसा है, तो लोग नहीं करते डरते हैं। अब देखिए वेदांत सूत्र में क्या कहा गया है, 3.2.36 में कहा गया है तथान्य प्रतिषेधात हिज सुप्रीमसी मस्ट बी एक्सेप्टेड बिकॉज ऑफ टेक्स्ट नेगेटिंग एनीथिंग सुपीरियर। उनके खिलाफ कोई भी सुपीरियर बात कोई है ऐसा कहा कहीं भी मेंशन नहीं आता। Everything strung, protam on me, I maintain the whole universe. जो strung किया गया है इसलिए मैं maintain करता हूँ पूरे universe को। फिर वो कहते हैं nothing other than me, I am both cause and effect and both शक्ति and शक्तिमान, कि मुझसे बड़ा कोई नहीं है क्योंकि दोनों भी मैं ही हूँ, कॉज भी मैं हूँ इफेक्ट भी मैं हूँ। मैंने प्रूव किया कि पंखा चल रहा है चलाने वाला विष्णु है तो वो भी वही है
और ये किसका है? विष्णु, क्योंकि दो ही चीजें है ना, या तो विष्णु खुद है जीव है और नहीं तो प्रकृति, दोनों कौन है? मैं ही हूँ। तो कॉज जो तुम पढ़ रहे हो, किसी कारण को पढ़ रहे हो, कार्य को, वो भी मैं ही, उसका कारण भी मैं ही हूँ, शक्ति भी मैं हूँ और उसका शक्तिमान भी मैं ही हूँ, बल्ब भी मैं हूँ, लाइट भी मैं हूँ। ढूंढ किसको रहा है? लाइट से बल्ब ढूंढ रहा है, लेकिन तू भूल गया कि बल्ब की वजह से लाइट है, जिसकी वजह से तू लाइट ढूंढ रहा है। समझे? फिर चांडोग्य उपनिषद में आता है 6:2:2 में, एकम एव द्वितीयम ब्रह्मा, देयर इज ओनली वन ब्रह्मन एंड नथिंग एल्स। ये जो जाकिर नायक था ना मुस्लिम, वैसे एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ति कोट करता था, लेकिन वो जानता नहीं कि वो एकम ब्रह्म उसी परम ब्रह्म की बात हो रही है। वो तो वही कह रहा था जो हम कह रहे हैं कि एक ही भगवान है। तुम उसको अल्लाह कहते हो, हम उसको कृष्ण कहते हैं, तुम वो कहते हो ऑल नाइन नून डिस्क्राइब करते हो, हम काली काली आंखें डिस्क्राइब करते हैं। तो वैसा है। तो फिर बृहदारण्यक उपनिषद में आता है 4:4:19 में, नेह नानास्ति किंचन, देयर इज नो वैरायटी एट ऑल। हरे कृष्ण। ठीक है, जैसे हम उपनिषद को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। ठीक है, फिर 8वें श्लोक खोलिए। रसोहम अप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययो सर्व वेदेषु शब्दाके पौरुषं दृशु। हे कुंती पुत्र, मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ, वैदिक मंत्रों में ओंकार हूँ, आकाश में ध्वनि हूँ तथा मनुष्य में सामर्थ्य हूँ। तो यहाँ अभी भगवान अपने विभूतियों को प्रकट कर रहे हैं कि अब तुम मुझे कैसे जानोगे। अगर अब कैसा है कि अब डायरेक्ट तो परसीव नहीं ना होगा, मतलब ये तो ज्ञान हो गया, परसीव कैसे करना है? तो फिर भगवान बताते हैं कि आप मुझे कैसे जानोगे। आई एम टेस्ट ऑफ वाटर, पहला चीज क्या है? टेस्ट ऑफ वाटर, जल में जो टेस्ट है। आप मीठा पानी पी सकते हो क्या? कितना पी सकते हो मीठा पानी? जैसे मुझे प्यास लगे और मैंने आपको पानी पीने का मन किया कि नहीं? मेरे को देख के आपको थोड़ा प्यास लगा है, थोड़ा सेटिस्फेक्शन। तो जो सेटिस्फेक्शन का जो पावर है ना पानी में, वो कौन है? भगवान है। क्योंकि बाकी ना आप मीठा पानी पी लो, या नमकीन पानी पी लो, या पानी पूरी का पानी पी लो, है ना, चटपटा जिसमें सब रहता है, एग्जैक्टली पता चलता है एग्जैक्टली क्या है, तीखा है खट्टा है। इसलिए माताजी लोगों को बहुत पसंद आता है पानी पूरी, है ना। बाया एक देना तो बाया, पानी पूरी देना बाया। ओह सो नाइस भैया, इधर उधर देखा है मुझे, सो टेस्टी बाया। तो तो भगवान कह रहे हैं कि मैं पानी का क्या हूं? स्वाद हूं। हाँ, स्वाद हूं। तो यहां कहते हैं प्रभुपाद, जस्ट लाइक सन इज पर्सन बट परसीव्ड बाय सनशाइन। जैसे सूर्य एक व्यक्ति है लेकिन सूर्य किरणों से हम उसको जानते हैं, वैसे भगवान एक व्यक्ति है लेकिन उनके अलग अलग शक्तियों से हम उन्हें समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पे कहा गया है कि पानी का टेस्ट है, तो कोई भी नमकीन या खारा पानी सब नहीं पीता है, लेकिन क्या पीता है? शुद्ध जल पीता है, ताकि हमें टेस्ट जो है वो लगे। तो जो अव्यक्तवादी है, अब इसमें भी दर्शन है, जो अव्यक्तवादी है वो क्या करता है? उस जल की शक्ति को भगवान मानता है जो अव्यक्त है, और जो व्यक्तवादी है वो क्या कहता है? वो शक्ति को नहीं देख रहा है, पीछे किसको देख रहा है? शक्तिमान। ओ देव प्रभु, पानी पीते क्या धन्यवाद करता है? प्रभु बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये जल बनाया और इसके अंदर आपने ये शक्ति रखी, जिसके वजह से अभी हम इसको समाधान मिल रहा है। बात समझे? ये व्यक्ति व्यक्ति विशेष का दर्शन हो गया और अव्यक्तवादी का दर्शन हो गया। दर्शन शास्त्र समझ में आ रहा है? बट रहा है, ठीक है, लेकिन फर्क कुछ नहीं है क्योंकि अंत में तो दोनों भी एक। हाँ, तो यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु जो है उन्होंने इसलिए दर्शन दिया था अचिंत भेद अभेद तत्व, एक ही समय में दोनों देखना,
महाप्रभु उसके ऊपर है कि एक भी है और अलग भी है, जीव भगवान के समान भी है और अलग भी है। समान कैसे है? गुणों में, और अलग कैसे है? शक्तियों में। हम थोड़ी किसी के जल में जाके कुछ कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते, ठीक है। इसको कहते हैं साइमल्टेनियस वननेस एंड डिफरेंस, एक ही बार में एक और अलग। तो लाइट ऑफ सन एंड मून ओरिजिनली एमिनेटिंग फ्रॉम ब्रह्म ज्योति इफल्जेंस ऑफ लॉर्ड, जो सूर्य और चंद्र है उसका जो लाइट है इफल्जेंस, वो लाइट है कहां से आता है? भगवान के ब्रह्म ज्योति से आता है। ओंकार जो है फिर वो कहते हैं मैं क्या हूं, प्रणव सर्व वेदेशु, सभी वेदों में क्या हूं? प्रणव, ओंकार हूं। तो कह रहे हैं क्योंकि हर वैदिक मंत्र के शुरुआत में क्या आता है? ओ, सहनावतु सहनौ भुनक्तु सहवीर्यंगरवावहै तेजस्विनावरितमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। मनुस्मृति में कहा गया है कि अगर आप कोई भी मंत्र जाप, मतलब जाप नहीं, मंत्र चैंट करते वैदिक ओम से चालू करके और ओम से एंड नहीं करेंगे तो उसका फल नहीं मिलता। इसलिए कोई भी जैसे श्लोक पाठ करते हैं कुछ करते हैं ना, तो हम लोग जैसे यज्ञ में मंत्र बोलते हैं आम ऐसा करते हैं और एंड में भी लास्ट में ओम। ये मुझे पता नहीं था, कल पढ़ा मनुस्मृति का कुछ सेक्शन पढ़ रहा था तब मिला मुझे, तो मैं वो चाणक्य सीरियल का याद आया, उसमें दिखा था ना वो स्टार्ट में सब लोग बैठ के एंड में भी दो बार मनुस्मृति दिया हुआ है। तो हम लोग भी क्लास के एंड में क्या करेंगे? हरी बोल। हमारा हरी बोल से चालू होता है और हरी बोल में एंड हो जाता है, ठीक है। तो इस ओम में क्या है, जो अव्यक्तवादी हो क्या करते हैं, वो अनेक नाम है भगवान के, मुकुंद माधव यादव हरी, बोले ना बोलो रे वदन भरी, मुख से बोलते रहो गोविंद गोपाल गोविंद जाया जाया गोपाल जय जया गोविंद जाया जाया गोपाल गोविंद जय जया गोपाल जया जया गोविंद जया जया गोपाल जया जया राधा रमण हरि गोविंद जया जया राधा रमण हरि गोविंद जया जया गोविंद जय जया गोपाल जय जया राधा रमण हरि गोविंद जय जया जय गोविंद जय गोपाल जय गोविंद जय गोपाल केशव माधव दीन दयाल केशव माधव दीन दयाल केशव माधव दीन दयाल दीन दयाल प्रभु दीन दयाल दीन दयाल प्रभु दीन दयाल केशव माधव दीन दयाल जय गोविंद जय गोपाल जय गोविंद जय गोपाल केशव माधव दीन दयाल। इतने सारे नाम है भगवान के, लेकिन अव्यक्तवादी क्या करते हैं? सिर्फ ओ, बाकी नाम वी डोंट केयर। अब ओम में नाचेगा कैसे? ओ, 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 नहीं ओम में आप सब ट्यून नहीं डाल सकते, ओम में ऑलमोस्ट निरागस होता है, लाइक सब छोड़ दो, दुनियादारी छोड़ दिए, घमंड पाल के रखा मैंने सब छोड़ दिया, मैं और आप एक हो जाएंगे। लेकिन भक्त क्या करता है? वही हरे कृष्ण मंत्र आप कितने एंगल से गा सकते हो, देखो आप एकदम आनंद में हो, आपको लॉटरी लग गया है, हरे कृष्णा 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 हरे, नाच रहे
एकदम आपको टेंशन दे दिया मंदिर में, कोई तो अपमानस्पद बोल दिया, कुछ हो गया। हरे कृष्णा कितना अच्छा ट्यून निकलता है। एक्चुअली वही टाइम होता है पेटी सीखने का। पद वद मिल जाए, प्रेसिडेंट वेजिडेंट बन जाए मंदिर में, तो फिर मजा नहीं आता है, फिर कोई सीखता नहीं है। ले देखना प्रेसिडेंट सारे वो उत्तर लेके घूमते रहते, करते रहते, हाथ में डायरी रहते, एक हाथ में बंडल रहते पैसे का, बस उतना ही घूमते रहते। आज जिसको एकदम फ्रस्ट्रेटेड रहते ना, उसको परेशान करके रख दिया मंदिर में, वो कोने में बैठ के सानी धा मा पा पा ए हरे सुर लगाते रहते। सहारे हरे कृष्णा 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 हरे हरे गाते हो। एक ही हरे कृष्ण मंत्र आप हर एंगल में गा सकते हो, कोई मर गया तो गा सकते हो। हरे कृष्णा अंदर तक चलो खत्म हो गया, अब क्या करें। हरे 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 राम 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 हरे हरे। किसी का बर्थडे है, केक कटिंग है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे काट जल्दी और खिला हमको। तो लेकिन ओम में क्या है, प्रभु जी आशीर्वाद चाहिए। ओ प्रभु जी घर में मर गया। ओ प्रभात बोलते हैं कि अव्यक्तवादी है वो, सारे नाम छोड़ के सिर्फ किस पे अधिक लगाते हैं, ओम में, जबकि भगवान के सारे नामों में क्या है, शक्तियां हैं। लेकिन उन नाम बाकी क्यों नहीं लेते, फिर वो पुरुष लीला लीला आ जाएगा। मधुसूदन बोलोगे, माधव बोलोगे, ये बोलोगे तो क्या आ जाएगा, लीला। और इससे पता चलता है कि भगवान को गीता किसने बोला, वो अव्यक्त ने नहीं बोला। क्योंकि बार बार अर्जुन क्या पूछे, बोल रहा है हे मधुसूदन, हे माधव, हे ये, हे फलाना, हे डिमकर, भगवान भी हवा में नहीं बोल रहे हैं, हे पार्थ, हे कौंतेय, ऐसा। तो यहां पे कहा गया ठीक है। फिर 8-12 जो श्लोक है इसमें भगवान बताते हैं कि पहले क्या बता दिया कि ये दोनों प्रकृति किसके हैं, मेरे हैं, और इधर इन दोनों का मेंटेनर कौन है, मैं हूं। 8-12 अभी भगवान अपनी विभूतियों के रूप से बताएंगे मैं कैसे मेंटेन करता हूं, ठीक है। तो ये कह रहे हैं आई एग्जिस्ट इन एलिमेंट सिंस आई मेंटेन देम थ्रू सेंस ऑब्जेक्ट्स। जो जो इंद्रिय जो धातु है या एलिमेंट्स हैं उनको मैं कैसे मेंटेन करता हूं, इंद्रिय विषय के माध्यम से, क्योंकि बिना इंद्रिय विषय के वो धातु एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे। जैसे साउंड है वो आकाश को मेंटेन करता है, स्पर्श जो है वो वायु को मेंटेन करता है या बनाता है, और रूप जो है वो अग्नि, और टेस्ट जो है उससे पानी जल का निर्माण होता है, और स्मेल सुगंध से, स्मेल से अर्थ वाटर फायर अर्थ होना चाहिए, इधर मैं पेन देना चाहूँ, मैं नोट्स में करा दूंगी, ये अर्थ होगा ठीक है। अच्छा लिखते लिखते करना होता है ठीक है। तो ये भगवान की विभूति है। तो अभी थोड़ा प्रणव के बारे में जानते हैं, ओंकार के बारे में, ओम क्योंकि वो थोड़ा आचार्य लिखते हैं। तो आप में से कई लोगों ने योग वगैरह किया होगा और जो अलग अलग चक्र हैं उसको जगाने की कोशिश किया होगा। तो ओम के बारे में ज़्यादा पढ़ना है तो छांदोग्य उपनिषद के प्रथम 1.1.1 से 1.1.10 तक दिया हुआ है ओम के बारे में। तो ये जो साउंड में कैसे ओम है इसके बारे में आचार्य बताते हैं। तो ये वैकारिक स्टेज में जो आता है शब्द वो ओम आता है। तो प्रथम स्टेज होता है साउंड का, उसको कहते हैं परा, और ये सूक्ष्म होता है और ये प्राण से आता है, जो मूलाधार चक्र से आता है और जिसका बेस स्पाइन होता है। मैं नोट्स दे दूंगा अभी आप सिर्फ सुन लीजिए। सेकेंड स्टेज होता है पश्यंती, यानी वो मेंटल लेवल पे होता है और मणिपूरक चक्र में आता है और नाभि से आता है। तीसरे स्टेज में जो ध्वनि है वो मध्यमा से आती है और वो इंटेलेक्चुअल बुद्धि के स्तर से निकलती है और अनाहत चक्र से पार होते हुए हृदय के एरिया में आती है।
और फिर वो यहाँ से चौथे स्टेज में वैखरी यानी थ्रोट के माध्यम से निकलती है, जहाँ से वाक्य बनते हैं। तो वैखरी लेवल का पहला शब्द है, ठीक है। और फिर इसमें कहा गया है कि शब्द के पौरुषम नृषु, मैं पुरुषों में क्या हूं, पौरुषता है, सामर्थ्य में हूं। तो क्योंकि सामर्थ्य से ही तो फल मिलता है, और फल मिलता है तभी तो पुरुष अपना काम करेगा ना, पुरुषार्थ करेगा, इसलिए वो मैं, ठीक है। नौवा श्लोक खोलिए। पुण्यो गंधा पृथिव्याम च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनम सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। मैं पृथ्वी की आद्य सुगंध और अग्नि का अग्नि की उष्मा हूँ, मैं समस्त जीवों का जीवन तथा तपस्वियों का तप हूँ। तो ये कह रहे हैं कि जो ओरिजिनल है कोई भी चीज का, वो ये कह रहे हैं वो कौन है, वो मैं। जैसे पुण्य, पुण्य यानी ओरिजिनल, जो कभी डिकम्पोज नहीं होता। तो जैसे हर चीज का एक अपना फ्लेवर और फ्रेग्रेंस होता है, जैसे फूल का है, तो ऐसे अग्नि वायु आकाश इन सब का भी ओरिजिनल फ्लेवर होता है। तो कहते हैं मैं उन सब में मैं अर्थ का फ्रेग्रेंस हूं। सब धातुओं में टॉप का होता है अर्थ का, वो मैं हूं। क्योंकि देखो आप इसका फ्रेग्रेंस नहीं ले सकते, अग्नि का है लेकिन आप ले सकते हो क्या, नहीं। वो जो चीज जला रहा है उसका कभी कभी आता है, अग्नि का जल रहा है लेकिन अग्नि का भी अपना होता है ना, आप किसका ले पाते हो, अर्थ का। जनरली जब बारिश वारिश गिरते तो एक अलग ही फ्रेग्रेंस आता है, वो भी एक माना जाता है, ठीक है। वो अनकंटेमिनेटेड फ्लेवर जो है, जो सब में है, वो मैं हूं, वो कह रहे भगवान। और उसमें मैं पृथ्वी का मैं हूं। विभाव यानी अग्नि, फायर जो है उसका भी मैं उसका जो हीट है वो मैं हूं। क्योंकि अगर अग्नि है और उसमें हीट ही ना आए तो आपका खाना पकेगा क्या, आपकी बड़े बड़े कंपनियां जो चल रही, प्रभुपाद लिखते फैक्ट्रीज, वो प्रभुपाद कहते वो भगवान कह रहे हो मैं हूं। उतने नहीं, हमारे पेट में जो जठर अग्नि है वो कौन है, वो भी भगवान है। कहां लिखा है, गीता में 15वें अध्याय में 14वां श्लोक खोलो। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणीनां देहमाश्रितः प्राणपान समायुक्त पचाम्यन्नं चतुर्विधम्। ये चार प्रकार के चीजों को मैं पचाता हूं। मैं आपके जठर में अग्नि भी कौन है, मैं हूं, ठीक है। तो एवरी एक्टिव प्रिंसिपल ऑल केमिकल्स मटेरियल एलिमेंट्स ड्यू टू कृष्णा, जो भी आपको दिख रहे हैं ये सारे कौन है, भगवान है। अब नॉर्मल साइंटिस्ट क्या करते हैं, इन्हीं धातु को अलग से पढ़ते हैं, ये हाइड्रोजन कैसे काम करता है, ये हीलियम कैसे काम करता है, अब उसी का कुछ कुछ बना के हम लोग को बनाते, देखो हमने आविष्कार कर दिया। अबे घंटे आविष्कार क्या किया, वो पहले से गुण को किसी ने रखा है, तूने सिर्फ उसको खोज के अपने हिसाब से कुछ नया चीज बना दिया। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, कभी पेपर का बोट बना देते हैं, या नो ऐसा बोट वो पानी में डालते बारिश में, इधर से इधर वैसे साइंटिस्ट लोग खुश हो जाते, थोड़ा कुछ निकल गया था। वो आपका कौन था, आर्किमिडीज, उसको जब पता चला कि एक वेट का ऑब्जेक्ट पानी में डालिएगा तो उतना ही जो क्या वॉल्यूम का वो निकलता है, प्रोपोर्शनेट पानी बाहर निकलता है। तो इसको कुछ था प्रॉब्लम, खोज रहा था तो रानी ने कुछ ऐसा हो गया था ना, उसका कुछ प्रॉब्लम हो गया था, कुछ खोजने के लिए बोला था। तो एक बार वो नहाने गया तो नंगा था वो, और टब में बैठा, देखा उतना ही पानी, उसको दिमाग में क्लिक हो गया आइडिया, नंगा बाहर आ गया, यूरेका यूरेका, मतलब आवाज देते हे महाराज इधराज, वैसा हम बोलते ना वैसा, यूरेका यूरेका, वो बोले रहे जरा घंटी हिल रहा अंदर जाओ। खुश हो गया। तो ये फर्क है। तो ये लोग को क्या लगता है कि ये थोड़ा थोड़ा कुछ मिल, तो इतना सा उसको मिल गया डेटा, कितना खुश हो गया। और भगवान को कितना ज्ञान है, सभी को उन्होंने बना के रखा, माया को कैसे बना के रखा है सोचो। एक साइंटिस्ट एक खोजता है, जिंदगी भर बाल नहीं काटता है। उसके पीछे इतना लग जाता है, इसलिए नाइयों के पास होते हैं ना अलग अलग कट, आर्मी कट, ये कट, वो कट, देखो था आइंस्टाइन कट। आइंस्टाइन कट सबसे सस्ता और सबसे फास्ट होता है,
उसको कुछ नहीं कर रहा था, बस थोड़ा सहला देके भेज दो, हो गया। बाल ऐसा नोच लो बड़ा कर दो, इसी को टेम्सी स्क्वायर के एंगल में बाल होते उसके। वो पौष्टिक विचार करता नहीं ना, तो उसके बाल भी पौष्टिक नहीं होते, ऐसे टेढ़े टेढ़े माल न्यूट्रिशन जैसे निकलते। तुम देखना जितने फिजिक्स के टीचर है ना, उनके बाल ना ढंग से पकते भी नहीं, ग्रे ग्रे टाइप से रहते हैं, दिमाग में एड़ा एड़ा टाइप कुछ रहता है ना डेटा, तो वो ब्रेन भी बोलता है कि ढंग का सोच। वही आप वैष्णव को देख लो, मस्त टकाटक शीका विका रहता है एकदम मस्त, दिखने में भी तेज होता है, और ये लोग There can be an element of suspicion. Yeah. Astrogenders. So there is an element. If it just goes in, the energy level will be pi upon theta raised to root of minus square root of mv. येड़े लोग पढ़ते हाइटे वो चीज पढ़ते जो देखा ही नहीं है। आप पढ़ नहीं रहे हो, आप इन साइंटिस्ट के पागलपन के मजे ले रहे हो। ये साइंटिस्ट अपने पागलपन का मजे तुमसे दिलवाते हैं, खुद तो फ्रस्ट्रेटेड है ही। तुम्हारी माँ बीमार गिर गई, चक्कर आके रास्ते में गिर गए, तुम बाजार में साथ में गए हो, तो तुम क्या करोगे? उठा के ले जाओगे, बोलते कॉमन सेंस। साइंटिस्ट क्या करेगा? शी एग्जैक्टली फेल विथ ऑलमोस्ट रेडियस ऑफ कर्वेचर विच कैन बी कंसिडर R1. And when she fell totally, you can take it R2. If the curve was less than R2 by R square upon root of this much, then this has to be constant. Then you can say she had a migraine attack. बात समझ रहे हो? पहले हमारे जो आयुर्वेदिक लोग होते थे, और नाड़ी पकड़ के बोलते थे, ऐसे हाथ पकड़ के, ए, ज़्यादा मिठाई खाया ना कल, खुद बोल देते थे। आज के लोग पूरा मतलब बोलते जाओ टट्टी लेके आओ। और टट्टी को पैथोलॉजी लैब में कैसे हो नौकरी करते लोग उधर जी। फिर बोलते हैं वो सुसु करके लेगा, बोले यूरिन टेस्ट करेंगे। हाँ, गर्दन दुख रहा है तो पहले लोग बोलते थे ठीक है बेटा इसको ना गरम गरम वो कर लो और थोड़ा कुछ काढ़ा वाड़ा पी के। अब बोलते खोलो, हाँ अंदर है पूरे टॉर्च, बोला सर मार देंगे क्या? क्लास में जब तक वो देखेंगे नहीं तब तक मानेंगे नहीं। तो ये जो मॉडर्न मेथड है ना एलिमेंट्स को समझने का, भगवान का क्रिएशन है, सिंपल है, समझ जाओ किसने क्रिएट किया है और क्यों किया है, तो तुम्हें पर्पस के साथ उसका काम हो जाएगा, खेल खत्म। टाइम क्यों वेस्ट करते हो? टाइम वेस्ट करते हो सबका पैसा ले लेके उसका वो कर रहे हो तुम, मतलब सबके सबको कंगाल रख रहे हो, और तुम रिसर्च कर रहे हो जो सुख तुम्हें बाद में हम देंगे ऐसा बोलने के लिए। कौन सा सुख आपको मिला? अगर फ्लाइट बन भी गया तो तुम्हें सुख मिला? एक साइंटिस्ट है, 15 साल रिसर्च किया, मालूम है क्या, बड़े पुणे के बहुत बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज में इंजीनियरिंग किया, टॉपर था वो, उसको कंपनी ने उठाया, लाखों का पैकेज दिया उसको, क्या रिसर्च करने के लिए मालूम है? 15 साल हो गए रिसर्च कर रहा है अभी भी, क्या रिसर्च कर रहा है मालूम है? उसको कंपनी ने बोला एक ऐसा साबुन बनाओ कि जब उसको यहां से ऐसे आप वो ऐसा करेंगे लोग नहाते हो तो उसका जो बबल है बबल वो यहां से बने ऐसे नाक से आए ऐसे ऐसे करते ऐसे नीचे फिर पाँव के एंड में एक टुप करके फूटे ताकि जो नहाने वाले से आनंद है और 15 साल से एक हो जाए। पता नहीं वो इसके चक्कर में कितनी बार नहाया होगा, वो मर गया होगा पीलिया हो गया मर गया होगा नहा नहा के। एक 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 चार बच्चों को प्रोजेक्ट दिया गया करोड़ों का कि आप ऐसा कोई ऐसा मशीन खोजो कि मछली में डालते ही पता चलना चाहिए ताजा है कि नहीं है। एक आदमी बोला अरे कुत्ते को ले जाओ सूंघ के बोल देगा कि यहाँ पे 12 तो हमने बजा दिया, तैटली ये श्लोक खत्म कर देते हैं। तो ये कह रहे हैं वो जो एक्टिव प्रिंसिपल है सब केमिकल्स में वो कौन है? भगवान है। तो ड्यूरेशन ऑफ लाइफ जो आयु है वो कौन है? भगवान है। और यहाँ कहा गया है चो पहले वाले में चाहे क्या श्लोक पढ़ो तो वापिस तो पृथ्वी के साथ साथ ये सभी इनको लागू होता है सेंस ऑब्जेक्ट्स को। बात समझ में आया?
एंड अदर एलिमेंट्स एज वेल, उसमें भी वो लागू हो जाएगा, मतलब गंध का पार्ट। फिर फॉर्म यानी रूप जो है, विच एनेबल्स थिंग्स टू बी कुक्ड एंड इल्यूमिनेटेड, सेंस ऑब्जेक्ट सस्टेनिंग एलिमेंट इज फायर। तो रूप जो है वो क्या है, अग्नि से आता है। तो पिछले श्लोक में क्या हो गया था, पिछले श्लोक में जल हो गया, रसम अपसु कौन दे या? ओंकार, वही तो पूरा में आ गया था। यहाँ क्या आ गया, अर्थ आ गया, अर्थ वाटर हो गया, फायर हो गया, ठीक है, और ईथर हो गया था, ईथर हो गया था ना साउंड का, और क्या बचा, एयर। तो एयर जो है वो च में आ जाएगा दूसरे वाले के। देखो पुण्यो गंधा पृथ्व्याम च तेजस्मी विभाव जीवनम सर्वभूतेषु तपश्च अस्मि तपस्विषु। तो जो च है जो वो ऊपर वाला भी च है, इन एयर आई एम टच, ठीक है, एयर में मैं क्या हूँ, टच। एबिलिटी टू एंड्योर हॉट एंड कोल्ड इन ऑस्टियर, तो यहाँ पे सारे जो है सारे पांच एलिमेंट कवर हो गए, ठीक। तो कल हम लोग दसवें श्लोक देखेंगे, 12 बज गए, और आप सबका बहुत आभारी हूँ, आप लोगों ने भी टॉयलेट किया। अभी हमारा फ्लो चलेगा क्योंकि कुछ सब्जेक्ट समझाने में थोड़ा टाइम लगता है, और एक जगह आएगा जहाँ थोड़ा टाइम लगेगा जब हम भक्ति के और भी कुछ लेवल्स बताने में समय लग सकता है। हरे कृष्णा, श्री प्रभुपाद की जय। ओम।